अब तक हमने इसका राजनीतिक भाग देखा और 1 घंटा हो गया भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्लास नहीं निपटेगी। तो अब तक हम इसका पॉलिटिकल भाग देखते हैं। एप्लेसियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मिसिल, माउंट मिसिल, ठीक है। पश्चिमी काल जो पश्चिमी कैलडेरा पर्वत श्रेणी है उस यह अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और प्रशांत तटीय कैलडेरा मैक्सिको से अलास्का तक ये फैली हुई है, 2 समांतर श्रेणी में बटी हुई है, ठीक है। नहीं, इन श्रेणियों में कौन कौन सी है, कास्केड है, अलास्का है, सेरा है, निवादा है, रोकी है, ठीक है। नहीं, राकी पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है और पश्चिमी कैलडेरा की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी, यानी कि कैलडेरा एक पर्वत श्रेणी है जो अलास्का से लेके मैक्सिको तक फैली हुई है। जैसे यहाँ पर एक बार चित्र बताना पड़ेगा, नहीं तो आप ये भूल जाओगे यार। देखो ये अलास्का है, ये इस तरह से पश्चिमी कैलडेरा है, तो इसके 2 भाग, एक तो इधर तटीय, एक इधर अलास्का, ये रॉकी पर्वत, ये फिर यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसी में ही बहुत सारे मरुस्थल है, डेथ वैली यहीं पर है, इसमें ये कास्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, इधर रॉकी पर्वत है, ये इस तरह से, ठीक है। नहीं, ये फिर एप्लेसियन पर्वत है और ये अमेरिका का मध्य महान क्या है, महान मैदान है, ग्रेट प्लेन, ये एप्लेसियन पर्वत है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ ठीक है, कहाँ पर थे भाई हम। राकी की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है और पश्चिमी कालडेरा का सबसे पूर्वी भाग है, जैसे मैंने अभी बताया ना, पश्चिमी कालडेरा के 2 भाग है, एक ये भाग, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में कास्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मैक्सिको में मिल जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ये उत्तरी अलास्का में अवस्थित है और राकी पर्वत का ही विस्तार है, यहाँ पर अलास्का और एल्स्यूनियन जैसी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है जिसकी ऊंचाई 4-6 हजार से भी अधिक है और यह पर्वत श्रेणी माउंट मैकिनले और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। वासाच पर्वत यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अमेरिका में अवस्थित है। सिरा माद्रे ऑक्सीडेंटल यह पश्चिमी मैक्सिको में है, ये सारे पर्वत देख रहे हैं हम। पोपो काटे पिटल ये मैक्सिको में एक ज्वालामुखी पर्वत है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, हेनरी पर्वत लैकोलिथ का उदाहरण है, ठीक है, और यह है अमेरिका में। सीरा माद्रे ओरिएंटल ये पूर्वी मैक्सिको में, यानी कि सीरा पर्वत के 2 भाग है, एक पश्चिमी एक पूर्वी। देखो यहाँ पर ये देखो, ये पूर्वी भाग है सीरा माद्रे का, ये पश्चिमी भाग है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैक्सिको देश में दोनों। आगे चलते हैं, हाँ सिरा माद्रे। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, क्या है फिर बताना पड़ेगा यार, मैं मैप बनाना नहीं चाह रहा बार बार, कहाँ पर थे। हाँ, जो ये राखी पर्वत है आप इस तरह से समझो, ये जो वाला राखी पर्वत है ये वाला, इसके 3 भाग है, ऐसे ऐसे ये, जब ये 3 भाग उत्तर में कनाडा से, क्योंकि ऊपर कनाडा है, तो ये है बिघोन पर्वत, कौन सा है, हाँ बिघोन पर्वत। देखो ये राकी पर्वत है, जब ये कनाडा से आके अमेरिका में मिलता है इस तरह, तो ये है बिघोन पर्वत, कौन सा है, बिघोन, ये पूछा जाता है बिघोन। यह है बिटूरट पर्वत, क्या है, बिटूरट, बस मेरी राइटिंग ऐसी है, ये लेविस पर्वत है। और जब ये आपस में तीनों मिल जाते तो इनको बोलते एन्नाकोंडा पर्वत, कौन सा, एन्नाकोंडा, एन्नाकोंडा मूवी देखी है, तो ये अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है, और ये राकी पर्वत के ही भाग है। तो आगे चलते हैं, पूर्वी पर्वत श्रेणी देखेंगे हम। पूर्वी एक कैनेडियन शील्ड है, एक लॉरेंशियल शील्ड है, जो दोनों ही कनाडा में पड़ती है, कनाडा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, लॉरेंशियल पठार इसमें सम्मिलित है और कैनेडियन शील्ड उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भाग है, खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर उंगावा प्रायद्वीप है, यानी कि हम उत्तरी अमेरिका में 3 मुख्य प्रायद्वीप है, कनाडा में जो प्रायद्वीप है उंगावा प्रायद्वीप है, एक यूकाटन प्रायद्वीप है और एक केनाई प्रायद्वीप है, ठीक है। उत्तरी कनाडा में, अच्छा ये चूना पत्थर मैक्सिको में मिलता है, ठीक है, और अलास्का में क्या मिलता है, पेट्रोलियम। आगे चल के देखते हैं, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हमने पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र देखा जिसमें रॉकी पर्वत और कैस्केड और कोस्ट रेंज, देखिए पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में एप्लेसियन पर्वत है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इसका विस्तार कनाडा के क्यूबेक से अमेरिका के अलबामा तक अवस्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाता है माउंट मिसेल है, यहाँ पर
पोकोनोस पर्वत, अलघेनी पर्वत, ब्लू रेंज और ग्रेट ग्रेट स्मोकी पर्वत यहीं पर पाए जाते हैं। ग्रीन पर्वत भी यहीं पर है अलास्का में। आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पर है, अलास्का के भाग है ये, सॉरी किसके, अपलेशियन पर्वत के, अलघनी पर्वत, ब्लू रेंज, ग्रेट स्मोकी और ग्रीन माउंटेन, ठीक है। एडिरोन डेक पर्वत भी, ये भी अलास्का में है और ओंटेरियो झील और सेंट लेंस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है और एक महत्वपूर्ण लोह अयस्क केंद्र है। ब्लू रिज, क्योंकि ये देखो ब्लू रिज अलास्का का एक हिस्सा है, ठीक है। एप्लेशियन का पठार, ये भी इसका सॉरी एप्लेशियन पर्वत का भाग है। यहीं पर इस पठार के दो हिस्से, एक कम्बरलैंड एक अलघेनी का पठार, ठीक है। कम्बरलैंड का जो पठार है एप्लेशियन पर्वत का पश्चिमी हिस्सा है, ये ध्यान रखना आप। अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण पठार है, उनको देखते हैं। एक कोलोराडो का पठार, ठीक, हाँ, और ये कोलंबिया का पठार, ठीक है। कोलोराडो का पठार ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया प्रांत में, अंतर पर्वतीय पठार, यहीं से कोलोराडो नदी गुजरती है जिस पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट ग्रैंड कैनियन है। और यहाँ के मुख्य जो पर्वत है यूनिटास पर्वत है। अलास्का में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर युकान नदी गुजरती है, युकान नदी जिस पठार से गुजरती है वो युकान का पठार है, ठीक है। इसके उत्तर में ब्रुक्स रेंज है, ठीक, यहीं से युकान और कुस्कोविच नदी गुजरती है। कोलंबिया स्नेक का पठार, यह लावा निर्मित पठार है और कोलंबिया स्नेक नदियाँ यहाँ से प्रभावित होती है। तटीय रेंज यानी कि कोस्ट रेंज और राकी पर्वत के मध्य अवस्थित है ये कोलंबिया का पठार। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, सूटकेस खेती यहाँ पर की जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ये कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है, यहाँ पर कोस्ट रेंज और राकी पर्वत दोनों गुजरते हैं इस पठार से। कैनेडियन शील्ड में कुछ पठार है, ये एक लॉरेंशियन का पठार जो सबसे प्राचीनतम हिस्सा है कनाडा का, सॉरी उत्तरी अमेरिका, कनाडा के आधे से अधिक हिस्से पे यही फैला है। कौन सा, कैनेडियन शील्ड। यह खनिज संसाधन की दृष्टि से, यहाँ पर जब हिमानिका पिघल गई तो यहीं पर बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ कैनेडियन शील्ड पे। लॉरेंशिया का पठार, लैब्राडोर जो प्रायद्वीप है वहीं पर लॉरेंशिया का पठार है, ठीक है। यहाँ पर कैनेडियन शील्ड का ये एक हिस्सा है, ये लॉरेंशिया का पठार लो इसका महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, भंडार है। किम्बरलैंड का पठार, ये टेनिसी प्रांत में है जो अमेरिका में है, और टेनिसी घाटी जहाँ से बिटुमिनस कोयला उत्पादन होता है वो किम्बरलैंड के पठार से होता है। आगे चलते हैं, एक पठार एडवर्ड्स का पठार है, ये अमेरिका में है, और टेक्सास जो राज्य यहाँ से, इस राज्य की पेकोज नदी इसी पठार से गुजरती है। मैक्सिकन का पठार, मैक्सिको देश में, हमने बताया था राकी पर्वत जब मैक्सिको में मिल जाता है तो दो पर्वत श्रेणियाँ होती है, पश्चिमी सिरा मादरे और पूर्वी सिरे मादरे, इन दोनों के मध्य ही मैक्सिको का पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार, ये कहाँ पर है, सिरा जो नेवेदा और राकी पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है, यहीं पर मत घाटी है यानी कि डेथ वैली जिसको बोलता है, और डेथ वैली उत्तरी अमेरिका सबसे निम्नतम स्थल है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ पठार क्या है, मर्थ घाटी कहाँ सी, कैलिफोर्निया में, उत्तरी अमेरिका का सबसे निचतम भाग है। सान जोन की घाटी भी यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि में यहाँ पर एक क्या फ्लैट बांध है, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो झील है लेक्सस ट्राइव झील है। ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदी द्वारा जो निर्मित प्लेन है उसको ग्रेट प्लेन बोलते हैं, यानी कि इस प्लेन से दो मुख्य नदी गुजरती है, एक मिसिसिपी एक मिसौरी, दोनों नदी गुजरती है। अमेरिका में कुछ मरुस्थल है, जैसे क्या ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पर है, ये सिरा नेवेदा उटा राज्यों में अवस्थित है, यहीं पर डेथ वैली है। मोजो मरुस्थल जो हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय भाग दिखाया जाता है वो मोजो मरुस्थल का ही दिखाया जाता है, यहीं पर परमाणु का क्या भी किया जाता है, परीक्षण भी किया जाता है। एरिजोना मरुस्थल, ये भी अमेरिका में है, एरिजोना और नवादा राज्य में अवस्थित है, और यहाँ पर इसके सबसे ऊँचे कैक्टस पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, हम जहाँ भी विश्व में ठंडी जलधारा है वहीं पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है, तो इसी के कारण यहाँ पर एरिजोना मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मोजो मरुस्थल, यहाँ पर भी हॉलीवुड की मूवी की बहुत शूटिंग होती है, और यह कैलिफोर्निया नवादा एरिजोना प्रांत में, और इस मरुस्थल से कोलोराडो नदी निकलती है, और कोलोराडो नदी पर ही विश्व की सबसे बड़ा कैनियन है जिसको ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। हूवर डैम भी यहीं पर है, किस पर, मोजो मरुस्थल में। सोनोरन मरुस्थल एक अलग है, और जो कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिण में अवस्थित है, कैलिफोर्निया खाड़ी के तट पर अवस्थित है, और यहीं से ही कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है इसी के साइड से। अमेरिका में कुछ घास भूमियां हैं, जैसे शीतोष्णकटिबंधीय जो घास है उसमें प्रेरी घास है जो शीतोष्णकटिबंधीय है। इस घास के मैदान में जो मिट्टी मिलती है वो चरनोजम मिट्टी मिलती है, और उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसका रंग काला हो जाता है, और यह अत्यधिक उपजाऊ है, पौष्टिक घास यहाँ पर मिलती है। कृषि इसीलिए
प्रेरी जो घास भूमि है उसमें कृषि पशुपालन का विकास हुआ है, गेहूं उत्पादन का बड़ा केंद्र है, बर्फ पिघलने से यहाँ से पानी आ जाता है तो मिट्टी और उपजाऊ होती है। प्रणाम गुरु जी। नहीं राज बब्बर भाई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, पर्यावरण थैंक यू, ओके ओके क्लास देखे ठीक है। यहीं पर चिनुक पवने चलती है, चिनुक बार बार पूछता है तो कहाँ पर चलती है, प्रेरी घास के मैदान में। और इन पवनों को अमेरिका में हिमभक्सी भी कहा जाता है क्योंकि चिनुक के आने से बर्फ जो है वो पिघल जाती है ठीक है। मवेशी फार्म जो यहाँ पर होते हैं उनको रैंच कहा जाता है, और जो रैंच है रैंच में जो काम करने वाले लोग हैं वे रेड इंडियन है, और रेड इंडियन लोग ही उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। यहाँ की जो घास भूमि है उसमें कुछ जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे अपाचे, अपाचे हेलीकॉप्टर जो यहीं से खरीदा ना हमने, वो इसी जनजाति के नाम पर रखा गया, उस हेलीकॉप्टर का नाम अपाचे। और ये क्रोम जनजाति, पानी जनजाति ठीक है। यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं प्रेरी घास के मैदान में, ओल्डर पॉपुलर विलोम सरपत, इस तरह के वृक्ष मिलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिसी, अब हमें उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ देखते हैं भाई। अब ये अमेरिका खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं 5 मिनट का रेस्ट लूँगा क्योंकि आज क्लास कम से कम कई घंटे की चलेगी। तो मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ठीक है, जलभाव की दृष्टि से। इसका जो मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है मिनिटोबा जो राज्य है वहाँ पर अलास्का झील से होता है। आर्लियंस नगर में, आर्लियंस जो नगर है मैक्सिको की खाड़ी के तट पर, वहाँ पर जाके मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल निकास करती है ठीक है। मिसौरी नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो राकी पर्वत से निकलती है, और लुइस नगर के निकट यह मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। सेंट लॉरेंस एक महत्वपूर्ण नदी है जो अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमाओं से होकर बहती है। इसका उद्गम ओंटेरियो झील से होते हैं और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। यहाँ पर इसका जो नदमुख है वो विश्व का सबसे बड़ा है, यानी कि इसका जो फाट है विश्व का सबसे छोटा फाट है नदमुख जो बनाती है। आगे चल के उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, सबसे व्यस्त यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इस क्षेत्र में सेंट लॉरेंस नदी में क्या चलते हैं, जहाज चलते हैं, पानी वाले नाव चलती है, व्यस्त है। कोलंबिया नदी, इसका कोलंबिया झील से होती है और यह प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। इसी पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कुली बांध बना है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और ग्रैंड कुली बांध विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो नदी है और ये जो झील है ला पेरो झील से यह निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। यहीं पर हूवर बांध बना है। और कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन भी इसी नदी पर है ठीक है। नहीं, सैक्रामेंटो एक अन्य नदी है उत्तरी अमेरिका की जहाँ पर महत्वपूर्ण बांध है, जैसे केविक बांध, केस्केड और सियरा नेवादा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर केविक महत्वपूर्ण बांध है। सेंट जैकविन एक अन्य नदी है, इस पर जो बांध बना है उसका नाम है फेरांत बांध। कैस्केड और सीरा नेवादा जो पर्वत है उनके मध्य से होकर बहती है। हडसन नदी ये एक इम्पोर्टेंट नदी है और यह है चैम्पियन झील से निकलकर न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन मोहाक घाटी औद्योगिक केंद्र है, न्यूयॉर्क राज्य यहीं पर अवस्थित है और न्यूयॉर्क राज्य का जो महत्वपूर्ण सिटी है न्यूयॉर्क सिटी इसी हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। रायो ग्रैंडो नदी अभी पीसीएस में 2023 में प्रश्न पूछा गया था कहाँ पर है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका और कनाडा की कुछ और नदियां, जैसे अच्छा अभी तक हमने अमेरिका की नदी देखी, अब कनाडा की देखते हैं। कनाडा की महत्वपूर्ण नदी नेल्सन नदी जो हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है। यूकॉन नदी कनाडा में मैकिंजी पर्वत से निकलती है ठीक, और बेरिंग सागर में जाके गिरती है, और इसी यूकॉन नदी में सोने के महत्वपूर्ण भंडार भी हैं। मैकिंजी नदी यह ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है, और यह मैकिंजी पर्वत के समानांतर बहती हुई, इसमें पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका की यह दूसरी सबसे लंबी नदी मैकिंजी नदी। सस्केवान नदी यह विनिपेग झील से निकलती है। पीस नदी या अथाबास्का झील से निकलती है, अथाबास्का झील कनाडा में। तो कुछ झीलें देखेंगे, इसके बाद हम फिर मैं 2 मिनट का रेस्ट लूँगा भाई ठीक है, क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ, फिर देखते हैं। झीलें तो काफ़ी है, अरे अच्छा अभी तो काफ़ी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तो करा ही देते हैं। झीलें,
झीलें ग्रेट लेक्स 5 झीलें हैं जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। इन झील में से एक झील मिशिगन झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, ग्रेट लेक्स ये मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील समूह है। ठीक है, मीठे पानी का यहाँ सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, यानी कि सेंट लॉरेंस नदी से महान झील या ग्रेट लेक्स तक आपस में जुड़ी है सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा और नहर के द्वारा। और ये क्या करती है, आपस में यहाँ पर बहुत सारे जहाज जाते हैं। ठीक है, नहीं पानी के ग्रेट लेक्स यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ी झील सुपीरियर इन 5 झीलों में, ग्रेट लेक्स में 5 झीलें, कितनी झीलें 5 आपसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ी सुपीरियर झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरी ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। सुपीरियर झील के बारे में हम देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर मेसाम्बी जो रेंज है परीक्षा में पूछा जा चुका है, मेसाम्बी रेंज कहाँ पर, मेसाम्बी रेंज सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह उत्पादन भंडार का केंद्र है। मिशिगन झील, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शहर है, एक गैरी शहर है, शिकागो शहर है, मिलवाकी शहर है और ये लौह उत्पादन के केंद्र है, लौह अयस्क यहाँ से पाया जाता है। यानी कि पेंसिल्वेनिया यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र है, मिशिगन झील के तट से ही वहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। गैरी मिशिगन झील के तट पर एक अन्य शहर है जो शिकागो औद्योगिक प्रदेश में है और यहाँ पर मांस उद्योग और लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ह्यूरन झील में कनाडा की सडबरी खान है जो निकल की खान है। सडबरी खान में तांबा भी मिलता है, प्लेटिनम भी मिलता है, निकल भी, और यह ह्यूरन झील के तट पर अवस्थित है। इरी झील पर अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग का जो सिटी है डेट्रॉइट है। वेटलैंड नहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है, वेटलैंड नहर के समीप है, यहीं पर वेटलैंड नहर के समीप है नियाग्रा जलप्रपात, यही वो जलप्रपात है। ठीक है, और नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। ठीक, अथाबास्का झील ये कनाडा की है। स्लेव झील और रेंडे झील के मध्य अवस्थित जो झील है उसको नाम अथाबास्का झील है। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार, सोने के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। पर यहीं पर रेनियर झील से जो नदी निकलती है चर्चिल नदी, ठीक वो हडसन की खाड़ी में जाती है और इसी नदी पर अवस्थित है क्या, विनिपेग झील। और अच्छा ये अलग एक्चुअली क्या है, अलग अलग झील है, ये कनाडा में है सारी झील, इनके नाम एक ही स्लाइड में दे दिए। ठीक है, तो कनाडा में एक अथाबास्का झील है, ग्रेट स्लेव झील है, रेंडियर झील है। ठीक, रेंडियर झील से जो नदी निकलती है चर्चिल नदी निकलती है, वो हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। विनिपेग झील के तट पर कनाडा का महत्वपूर्ण शहर है विनिपेग, जो विश्व प्रसिद्ध गेहूँ की मंडी है। मान झील में हमने देख लिया, सुपीरियर झील कैस्पियन सागर के बाद विश्व की सबसे बड़ी दूसरी झील है, इसी पर अवस्थित एक शहर है सुपीरियर झील के डुलुथ। ओंटारियो झील में जो है जो महान झील है उसमें ये सबसे छोटी है। इस पर अवस्थित दो महत्वपूर्ण शहर है, एक हैमिल्टन, एक टोरंटो, दोनों ही शहर कनाडा के। इरी झील के तट पर डेटर शहर है, टोलेडो शहर है, क्लीवलैंड शहर है, बफेलो शहर, ये सारे सिटी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, कि किस झील पे, ह्यूरन झील जो है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जो नहर आपस में जोड़ती है उसका नाम सू नहर है। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में अवस्थित है और यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यहाँ पर जो मिलवाकी सिटी, शिकागो सिटी, गैरो सिटी, ये तीन महत्वपूर्ण शहर इसी झील पर अवस्थित है, ह्यूरन झील पर ही। कनाडा की झील देख लेते हैं, दो बार आ गए कनाडा की, कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। ओंटारियो झील या कनाडा के टोरंटो में, यहाँ पर ओंटारियो झील पे कनाडा का एक टोरंटो शहर अवस्थित है, हैमिल्टन शहर अवस्थित है और किंगस्टन शहर अवस्थित है। ठीक है, और यह जो झील है इरी और ओंटारियो, अच्छा हाँ ठीक है, ग्रेट स्लेव झील यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। मैकेंजी नदी का उद्गम इसी झील से होता है और मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकल के कहाँ अपना जल डालते हैं, आर्कटिक महासागर में। ग्रेट बेयर झील, यहीं पर रेडियम सिटी अवस्थित है कनाडा का, और यहाँ इस झील से आर्कटिक व्रत गुजरता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस झील से आर्कटिक व्रत गुजरता है। ग्रेट साल्ट झील यह अमेरिका में उटा प्रांत में है, यहीं पर ग्रेट बेसिन का एक महत्वपूर्ण पठार है और जो लवणीय झील है, कौन सी, ग्रेट साल्ट लेक। फिर कुछ जल संधि हैं, डेविस जल संधि कई बार परीक्षा में हर वर्ष पूछा ही जाता है, बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। ठीक है, नहीं डेविस जल संधि, और ग्रीनलैंड द्वीप को बैफिन की खाड़ी से अलग करती है, और यह भी उसकी सबसे चौड़ी जल संधि है, और लैब्राडोर ठंडी जलधारा यहीं से बहती है।
डेनमार्क जल संधि, यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है, डेनमार्क जल संधि। बेरिंग जल संधि, यह आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है और साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। साइबेरिया एशिया में रूस का हिस्सा है, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग जल संधि से। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि बैफिन द्वीप समूह को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है, ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा द्वीप से अलग करती है और यह मैक्सिको की खाड़ी को मैक्सिबियन सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण चैनल है। यूकेटन जो प्रायद्वीप है यहाँ पर, हाँ एक मैं चित्र बना दूँ छोटा सा, ये अगर हम देखते हैं ये ये देखो ये है तो अलास्का, ये हडसन की खाड़ी, यही है यूकेटन प्रायद्वीप। और ध्यान रखना यहाँ पर अवस्थित है केप केनवेरल। केप केनवेरल वो क्षेत्र है जहाँ से नासा के अंतरिक्ष मिशन यहीं से लॉन्च होते हैं और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और ये फ्लोरिडा राज्य में अवस्थित फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। यहाँ से जो जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि है, ठीक है, नहीं यहीं से जा रही है। तो केप केनवेरल यहाँ से एक नासा का महत्वपूर्ण प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर अवस्थित मियामी है, मियामी सिटी अपनी नंगे नाच के कारण जाना जाता है, यानी कि मियामा जो बीच है, ठीक है नहीं, वहाँ पर पूरी तरह से नग्नता है ना। तो आगे चलते हैं भाई, हम देख ले, हाँ ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जो जोड़ने वाला चैनल है यूकाटन जल चैनल है। अब कुछ उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण सागर और खाड़ी देखते हैं। सागर का नाम यहाँ पर, खाड़ी का नाम, उनसे संबंधित तथ्य, किस सागर का भाग है यहाँ पर, जैसे ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में अवस्थित है, आर्कटिक सागर का हिस्सा है। बोथ्रिया की खाड़ी, ये कनाडा के उत्तर में अवस्थित है, आर्कटिक का हिस्सा है। बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य, आर्कटिक सागर का हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का। हडसन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में अवस्थित, हाँ बिल्कुल आर्कटिक का हिस्सा है। जेम्स की खाड़ी कनाडा के उत्तर में अवस्थित है और यह भी आर्कटिक का हिस्सा है। लैब्राडोर सागर, यह आर्कटिक का हिस्सा है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यह आर्कटिक का हिस्सा है। बेरिंग खाड़ी, यह उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका और एशिया के दोनों के मध्य अवस्थित है और यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे ये सागर कुछ खाड़ी और है, जैसे फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो पूछता है फंडी की खाड़ी कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में के तट में अवस्थित है, अटलांटिक वाले हिस्से में, और वहीं पर ही विश्व के सबसे ऊंचे क्या आते हैं, ज्वार आ जाते हैं, ठीक है। चेसापिक की खाड़ी, विश्व का सबसे लंबा अवरोधक यहीं पर है, ठीक है नहीं। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको नदी यहीं पर गिरती है। डेरियन की खाड़ी, यह कैरेबियन सागर में अवस्थित है, कैरेबियन सागर आर्कटिक सागर का हिस्सा है। पनामा की खाड़ी मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के मध्य में प्रशांत सागर का हिस्सा है। कोरोडेनो की खाड़ी, छोड़ो इसको छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं। अलास्का की खाड़ी, अलास्का के दक्षिण में प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कुछ उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण द्वीप को भी देख लेते हैं, ये नाम है उनके, उनसे संबंधित तथ्य, किस महासागर में अवस्थित है, जैसे एलिस मेरे द्वीप और विक्टोरिया द्वीप, ये कनाडा के उत्तर में आर्कटिक महासागर में, ठीक है नहीं। बैफिन द्वीप कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर में। साउथहैम्पटन द्वीप हडसन की खाड़ी के अंदर है, साउथहैम्पटन द्वीप, और यूपी पीसीएस में इस पर्सन को पूछा गया था एक बार कि साउथहैम्पटन द्वीप कहाँ पर है, ठीक है, कनाडा की खाड़ी के अंदर, जैसे हडसन की खाड़ी है ना ये वाली, इस तरह तो यहाँ पर है साउथहैम्पटन द्वीप, ठीक है। एंटी कोस्टल द्वीप सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर अवस्थित है, ये भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। केप बेटन द्वीप कोयला उत्पादक क्षेत्र है। फ्लोरिडा, ये परवाल का है और क्यूबा और मियामी के बीच है, जो मैंने भी बताया ना मियामी सिटी, वो यहीं पर है। वैंकूवर द्वीप कनाडा के पश्चिम में। कोडिया द्वीप अलास्का की खाड़ी के अवस्थित है। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस द्वीप बेरिंग सागर में अवस्थित है। एल्सियूनियन द्वीप और हवाई द्वीप, ये तो बता दिया, इसकी राजधानी जो किसकी है, होनोलुलु। तो अब इसका हम भौतिक प्रदेश देखें, इसका राजनीतिक हमने देख लिया, इसका भौतिक देखते हैं क्या है, भौतिक क्या है। इसमें कुछ पर्वत श्रेणी है, उनको देखते हैं, जैसे एंडीज पर्वत, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस यहाँ पर जो एंकागुआ अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है नहीं। हाँ, इस एंडीज पर्वत का जो पूर्वी ढाल है उसमें मोन्टाना वन पाए जाते हैं, यानी कि मोन्टाना वनस्पति पाई जाती है। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी है, जो एंडीज पर्वत श्रेणी में ही है।
उसा ला प्लाटा धुंधा चिली की राजधानी सेंटियागो और अजिंटा की राजधानी, अच्छा हाँ, अर्जेंटीना के मेडाना नगर को जोड़ती है, यानी कि चिली का एक सिटी है सेंटियागो और अर्जेंटीना का एक नगर है मेडोना, उसी को या दर्रा उसा ला प्लाटा दर्रा आपस में जोड़ती है। माउंट कोटापैक्सी एंडीज पर्वत का एक भाग है और यह माउंट कोटापैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर देश में है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट चिम्बिरंजो यह इक्वाडोर देश में अवस्थित है, एक मृत ज्वालामुखी है और यह भी एंडीज पर्वत का ही भाग है। दोनों ज्वालामुखी परीक्षाओं में पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं। पठार, उत्तरी अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण पठार है जैसे बोलविया का पठार। बोलविया का पठार बोलविया देश में अवस्थित है, एक अंतर पर्वतीय पठार है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नोगाम में झील इसी बोलविया पठार पर है, जिसका क्या नाम है, टिटिका झील। ब्राजील, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट साइड प्लीज। हाँ शुरू करते हैं भाई, कोई आ गया था। शुरू करते ठीक है दोबारा से। तो ये देख रहे हैं ना हमने ब्राजील का पठार, अब हम ब्राजील का पठार देख रहे हैं क्योंकि बोलिविया का पठार देख लिया। ये ब्राजील के पूर्वी भाग में अवस्थित है, यहाँ पर लोएस्क पाया जाता है, पराना नदी का उद्गम यहीं पर हुआ है और इस ब्राजील के पठार पर कॉफी का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर वही है ना सेंटोस और वो जो बंदरगाह बताए थे हमने, ठीक है। गुयाना का पठार ये वेनेजुएला में अवस्थित है। कैरो नदी विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजिल जलप्रपात इसी नदी पे है, जो ओरिनेका किसकी सहायक नदी है, ओरिनेका की सहायक नदी है कैरो नदी, इसी पे ये जलप्रपात है। हाँ यहाँ से ओरिनेको नदी है, इसी की जो सहायक नदी है कैरो नदी पर भी उसका सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है और जो गुयाना के पठार पर अवस्थित है। ब्राजील के उत्तरी क्षेत्र में गुयाना सुरीनाम फ्रेंच गुयाना में विस्तृत है यह पठार, ठीक। यहाँ पर जल विद्युत का बड़ा विकास हुआ है इस पठार पर, यहाँ पर सोने और हीरे के उत्पादन क्षेत्र भी है। पिकोड नेलुम्बिना ब्राजील की सबसे ऊंची चोटी है और जो इसी पर अवस्थित है। अच्छा ये एक्चुअली हम ये जो हिस्सा है ये वाला ये अलग अलग स्लाइड है, ये ब्राजील इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्राजील का पठार एक शील्ड का उदाहरण है, जैसे लावा निर्मित पठार है ठीक, और इसी पठार पे यहाँ पर इसका गुयाना सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना में इसका विस्तार हुआ है और यहाँ पर पिको पिकोड नेम्बिलिना इस ब्राजील के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पेंटागोनिया का पठार यह दक्षिणी अर्जेंटीना में अवस्थित है, गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, एंडीज पर्वत का गिरिपद है यानी कि एंडीज पर्वत का जो पादीय प्रदेश है उसमें अवस्थित है और यह ठंडा मरुस्थल है, कैसा है ठंडा, और यहीं पर भेड़ यानी कि भेड़ पालन जहाँ पर जलवायु इस तरह की होगी विषम जलवायु होगी वहाँ पर पशुपालन किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है भेड़ पालन। माटोग्रोसो का पठार यह ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, बोलिविया की सीमा के पास अवस्थित है, ऐसा है मतलब पठार। अमेजन की यानी कि यहाँ पे दो नदी इस पठार से दो नदियों का उद्गम हुआ है माटोग्रासो से, एक अमेजन की सहायक नदी तापाजो से, एक प्रागवे नदी है और ब्राजीलियन उच्च भूमि के रूप में अवस्थित है माटोग्रासो का पठार, ठीक है। आगे चलते हैं,
ग्रान चाको का पठार यह है प्रागवे अर्जेंटीना और बोलिविया में अवस्थित है। यह एक निम्न भूमि क्षेत्र है, सेलोस के दक्षिण में गर्म शीतोष्ण जलवायु के वन। अच्छा क्या है यहाँ पर सेल्वोस वन पाए जाते, किस तरह के वन पाए जाते हैं सेल्वोस। ब्राजील उच्च भूमि में कोयले के भंडार है, क्या हुआ उत्पादन क्षेत्र है, चरागाह है बड़े बड़े। अच्छा हाँ यहाँ के जो शुष्क घास के मैदान है ठीक है उनको क्या कहा जाता है, सवाना घास के जो मैदान है इस क्षेत्र में उनको कंपाउज कहा जाता है, किसमें ब्राजील उच्च भूमि में ठीक है। नहीं अटाका मरुस्थल ये चिली और पेरू के दो देशों में अवस्थित है, यह विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार, आयोडीन के भंडार और बोरेक्स के भंडार पाए जाते हैं, रासायनिक खाद भी यहाँ पर मिलता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है, ऊंट की एक प्रजाति जिसका नाम लामा है वह भी इस पठार पर मिलती है, और इसका जो निर्माण है पेंटागोनिया के पठार के पेरू यानी कि ठंडी जो जलधारा है पेरू होम्बोल्ट जलधारा एक ठंडी जलधारा है उसके निर्माण से हुआ है। हाँ ओके 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 ठीक है। अब लानोस कुछ घास भूमि है दक्षिण अमेरिका में उनको देखते हैं, एक लानोस घास भूमि कैंपो से पंपा से सेरवासिन को देखते हैं। लानोस घास जो भूमि है कोलंबिया और वेनेजुएला में मिलती है, और ये किस तरह की घास है उष्ण कटिबंधीय घास है ठीक है, घास भूमि है। कैंपोस जो घास भूमि है ब्राजील और अर्जेंटीना में मिलती है और यह भी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की घास भूमि है। सेल्वोस जो घास भूमि है वो अमेजन नदी में मिलती है, अमेजन नदी का जो बेसिन है और यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको सेल्वास कहा जाता है। पैम्पास घास के मैदान कैसे अर्जेंटीना में, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ पर ही अल्फा अल्फा घास मिलती है जो पशुओं को के लिए बहुत पौष्टिक होती है पशुओं के चारे के रूप में ठीक है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन हुआ है। पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर मांस उद्योग का बहुत विकास हुआ है पंपास भूमि में, और यहाँ गेहूं उत्पादन क्षेत्र भी जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका की कुछ घास भूमियाँ थी। आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों को देखते हैं। पर्यावरण भाई गुड मॉर्निंग शुभम कैसे है भाई, हाँ बताओ जरा ठीक है। नहीं कुछ नदियां जैसे अमेजन नदी है, अमेजन नदी का जो उद्गम हुआ एंडीज पर्वत से हुआ है, और यह एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है ठीक है। नहीं इसकी जो सहायक नदियां हैं एक तो निग्रो है एक मेडिरा है ठीक, ये इसकी सहायक नदी है। निग्रो और अमेजन के संगम पर एक महत्वपूर्ण सिटी है जिसका नाम है मानुस शहर, और यह मानुस शहर बंदरगाह भी जो रबड़ का निर्यात करता है। यह विश्व की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है और यह विश्व की सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि जल आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर ग्यूकास जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। अमेजन नदी बेसिन में जो विषुवत रेखीय वन है उनको सेल्वास कहा जाता है। मेडेरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी एक कौन सी है, एक निग्रो है एक मेडेरा है। विषुवत रेखा वन को जो अमेजन नदी बेसिन में विषुवत रेखीय वन मिलते हैं उनको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वन मिलते हैं उनसे वायु ऑक्सीजन तो मिलती है हमें, तो विश्व का वन क्या कहा जाता है विश्व का फेफड़ा। अगर इन जंगलों को कुछ हो जाए इनमें आग लग जाए ठीक है तो पूरी पृथ्वी के लिए संकट की स्थिति है। यहाँ पर विषुवत रेखीय वन तो मिलते हैं, एनाकोंडा जो सांप है वो भी यहाँ पर मिलता है, आप जानते हैं एनाकोंडा कोई बड़ी बात नहीं। अन्य नदियाँ ओरेनिको नदी देखते हैं, मैगडलेना देखते हैं, फिर जापोर देखते हैं, तापाजोस देखते हैं ठीक है। ओरेनिको नदी यह वेनेजुएला में बहती है और ग्यूना के पठार से सिरा जो माद्रे पर्वत है से निकलकर कैरेबियन सागर में गुजरती है, यानी कि ग्यूना के पठार से प्रवाहित होती हुई सेरा पामीरा एक पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलकर कैरेबियन सागर में अपना जल डालती है। ओरिनिका नदी को झरनों का प्रदेश भी कहा जाता है ठीक है। नहीं और ओरिनिका नदी की जो सहायक नदी है करोनी, उसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, और कहाँ पर है एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है। ओके शुभम भाई ओके क्लियर है कोई बात नहीं ठीक है। जापोर नदी ये कोलंबिया देश में बहती है और कार्डेला ओरिएंटल जो पर्वत श्रृंखला वहां से निकलती है, और यह नदी भी जापोर नदी अमेजन की सहायक नदी है ठीक है। नहीं अमेजन जो नदी है मैगडला नदी यह कोलंबिया देश में बहती है।
ठीक है, और यह एंडीज पर्वत के कार्डेला ऑक्सीडेंटल और कार्डेला ओरिएंटल के मध्य से बहती है, यानी कि इन दो पर्वत के नीचे जो मध्य में भ्रंश घाटी है उससे बहती है। और यह नदी मैग्डलिना ये परीक्षा में यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, कैरेबियन सागर में गिरती है और तेल भंडार के लिए, खनिज तेल भंडार के लिए जानी जाती है। तापाजोस नदी ब्राजील के माटाग्रोसो जो पठार है वहाँ से निकलती है और सांतेदेम नगर के पास अमेजन नदी में मिलती है, ठीक है ना, तापाजोस। और इस नदी क्षेत्र में रबड़ उत्पादन किया जाता है, यानी कि अमेजन की कुछ सहायक नदी है कौन कौन सी, एक जापोर है, तापाजोस है और निग्रो हमने पीछे देख ली, ठीक है आगे चलते हैं। निग्रो, हाँ ये देख ले, अमेजन की सहायक नदी है निग्रो। मानुस जो बंदरगाह है ये यहीं पर है, इसी नदी के तट पर है। रियो निग्रो नदी की, अच्छा इसे रियो निग्रो नदी भी कहा जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। पराना नदी, यह दक्षिणी अमेरिका की दूसरी लंबी नदी है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, अमेजन, तो दूसरी कौन सी है, पराना नदी। यह इसकी जो सहायक नदी, एक तो प्रागवे है एक उरुग्वे है, ये दोनों देश भी है, दोनों नदी भी है। विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है इगाइकू जलप्रपात यहीं पर है, इसी नदी पे, पराना नदी पे। तीनों नदियां जब मिलती है तो इनको सम्मिलित रूप से प्लाटा नदियां कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लाटा नदियां, ठीक है। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाके यह नदी गिरती है और पुराना नगर अर्जेंटीना का जो एक महत्वपूर्ण नगर है पुराना, वो इसी तट पर अवस्थित है। आगे देखते हैं और नदियां, प्रागवे नदी और उरुग्वे। पुराना की दक्षिणवर्ती सहायक नदी है, जो पुराना नदी है उसकी दक्षिणी सहायक नदी है प्रागवे नदी, मेंटाग्रोसो से निकलकर यह प्रागवे में अपना जल को डालती है, इस नदी में डालती है। प्रागवे अर्जेंटीना का एक सीमा पर, अच्छा हाँ ये कह रहा है कि प्रागवे अर्जेंटीना सीमा पर पुराना नदी में जाके मिल जाती है। यहाँ पर एक कंसेप्शन एक नगर है, क्या है, कंसेप्शन इस नदी के तट पर अवस्थित एक नगर है। उरुग्वे नदी देखते हैं, यह ब्राजील अर्जेंटीना उरुग्वे की सीमा पर बहती है और रिया डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाके गिरती है। पुराना प्रागवे और उरुग्वे नदियां सम्मिलित रूप से रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाके गिरती हैं। साओ फ्रांसिस्को एक ब्राजील की महत्वपूर्ण नदी है और ब्राजील उच्च भूमि से निकलती है और मेनास, ब्राजील उच्च भूमि पर मेनास गेरास से जो लोह उद्योग का केंद्र भी है, मेनास गेरास से निकल कर यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका में कुछ झील है उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे टिटिका झील, टिटिका झील बोलिविया पेरू की सीमा पे है और भी उसकी सबसे ऊंची झील है। अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है टिटिका झील। मैराकाइबो झील वेनेजुएला में, और इस झील में क्या पेट्रोलियम जो खनन क्षेत्र है इस झील के क्षेत्र में अवस्थित है। यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। पोपो झील बोलिविया देश में अवस्थित है और गाल पैरोजो द्वीप इक्वाडोर में अवस्थित है। ये एक द्वीप है, गाल पैरोजो कहाँ पर है, इक्वाडोर में। पोपो झील कहाँ पर है, बोलिविया में। कुछ दक्षिणी अमेरिका में खाड़ी है जल संधि उनको देख लेते हैं। ग्वाकिल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में अवस्थित है। पेनास की खाड़ी दक्षिणी चिले में अवस्थित है। सेंट जास की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अवस्थित है। सेंट मैटियास की खाड़ी वाल्देज जो प्रायद्वीप है उसके उत्तर में अवस्थित है। ताइताओ प्रायद्वीप दक्षिणी चिले में अवस्थित है। वाल्देज प्रायद्वीप अर्जेंटीना में, ये बताई दिया। मैगलेन जल संधि है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में अवस्थित, टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है, ठीक है नहीं, ये जल संधि। और ड्रेकन पासिस कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक महासागर को आपस में क्या करता है, हाँ दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ता है वह ड्रेक पैसेज है। ये दोनों जल संधि परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ठीक है इसे देखेंगे क्योंकि यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट वे है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है भाई भौतिक प्रदेश। यूरोप के कुछ प्रमुख क्या प्रमुख पर्वत है, पर्वतों के नाम ये है और जिस देश से संबंधित है या उनकी विशेषता ये। जो जोलोन पर्वत जो है, जोलोन पर्वत नॉर्वे स्वीडन की सीमा पे है और यह पर्वत अस्केंडिनेविया जो प्रायद्वीप है उसमें अवस्थित है। और इस प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या क्या नाम है, केबनेक आसे, जो इसी जोलोन पर्वत में है। माउंट ब्लांक फ्रांस में अवस्थित है और यह आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टारस पर्वत तुर्की में अवस्थित है, तुर्की के उत्तरी हिस्से में जो बाल्टिक सागर से, सॉरी ब्लैक सागर से लगता है, ठीक।
और टारस और पोंटिक के बीच तुर्की का अनाटोलिया का पठार है। माउंट नर्डोनोविया यह रूस के यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स जो पर्वत है वो फ्रांस, इटली, मोनाको, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में विस्तृत है। और आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक है, यानी कि यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम हुआ है वह आल्प्स पर्वत से हुआ है, सॉरी सोन नहीं रोन नदी का। यूरोप के कुछ अन्य पर्वत जैसे जूरा पर्वत यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है क्रीट डी ला निग है और ये जुरासिक काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ था। पेनाइन पर्वत ब्रिटेन में अवस्थित है। पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और बालकन पर्वत रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। यूरोप के कुछ अन्य पर्वत जैसे यूराल पर्वत, ये यानी कि रूस के जो दो हिस्से करता है, एक साइबेरिया वाला एक पूर्वी हिस्सा, तो यूराल पर्वत वहीं पर है। ठीक है, नहीं हार्ज पर्वत जर्मनी में। कैम्बिरियन जो पर्वत है वो इंग्लैंड क्षेत्र में पड़ता है। काकेसस जो पर्वत है कैस्पियन सागर को काला सागर के मध्य अवस्थित है। इसकी जो चोटी है माउंट एल्ब्रुस है और यह चोटी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप के कुछ पठार है जैसे बवेरियन भूमि, यह जर्मनी के दक्षिणी हिस्से में है और यहीं पर बवेरियन भूमि में ब्लैक फॉरेस्ट है जिससे डेनूब नदी निकलती है और डेनूब नदी और कांसेंट झील के मध्य, कांसेंट झील जो कि इसमें स्विट्जरलैंड में, और डेनूब नदी यहाँ से होते हुए गुजरती है कांसेंट झील से ही। मेसेटे का पठार स्पेन और पुर्तगाल में अवस्थित है। यह ज्वालामुखी पठार है और इस पठार को आइबेरियन पठार भी कहा जाता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर अवस्थित है। सेंट्रल मैसिव यह लावा निर्मित पठार है और फ्रांस में अवस्थित है। यहाँ से सीन नदी और लोयर नदी का उद्गम यहीं पर होता है। मैसिव में, सेंट्रल मैसिव में अंगूर की खेती की जाती है भूमध्य सागरी जलवायु यानी कि होने के कारण। स्कैंडिनेविया पठार में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन। इन देशों में फ्योर्ड तट कहाँ पर मिलते हैं? नॉर्वे में। बोहेमिया भूमि यह जर्मनी में है। जर्मनी जो ब्लैक फॉरेस्ट है और मोवेरियन हाइट के मध्य अवस्थित है बोहेमियन उच्च भूमि, और यहीं से एल्ब नदी निकलती है। यूरोप में कुछ नदियां जैसे डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया से बहते हुए काला सागर में गिरती है। इस नदी के तट पर इन देशों की ये राजधानी अवस्थित है जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लाव, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट, ये सारी राजधानियां डेनूब नदी के तट पर अवस्थित हैं। राइन नदी, इसका उद्गम स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से होता है और यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बास जल संधि में जाकर गिरती है। ब्लैक फॉरेस्ट बास जल संधि तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच से गुजरते हुए बहती है और कहाँ जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। भरंस घाटी में बहने वाली यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और रूर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, यानी कि यह नदी कोयले क्षेत्र से गुजरती है इसलिए इसका रंग काला हो जाता है, इसे काली नदी भी बोलती है। ठीक है, हाँ ठीक। यूरोप की अन्य नदी में कौन सी है? अच्छा, राइन नदी पर जो अवस्थित देश है और यान की सिटी में इस प्रकार है जैसे स्विट्जरलैंड का बेसल शहर राइन नदी पे, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर भी राइन नदी पे, जर्मनी का बान शहर, कोलोन शहर, डेसलडॉर्फ शहर ये भी राइन नदी के तट पर है, और नीदरलैंड का जो रोटरडम बंदरगाह है वह भी राइन नदी के तट पर अवस्थित है। सीन नदी यह फ्रांस में बहती है और यह फ्रांस से बहते हुए पेरिस और ली हार्वे नगर से बहते हुए इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। पो नदी जिसको इटली की गंगा भी कहा जाता है या एल्प्स पर्वत से निकलकर ट्यू एडियाटिक सागर में जाके गिरती है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हुए कहां पर जाके गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है और इसी यूराल नदी बेसिन क्षेत्र में स्टेपिस घास के मैदान है। कुछ और नदियां हैं जैसे वोल्गा नदी वल्दई पहाड़ियों से निकलती है और वोल्गा नदी वल्दई पहाड़ी से निकल के कहाँ पर जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में, और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओडर नदी चेक गणराज्य से निकलती है,
पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में जाके गिरती है। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलती है और यह भी जर्मनी के ड्रेसेंडर हैम्बर्ग नगरों से होते हुए उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। वेसर नदी यह जर्मनी से निकलती है और जर्मनी के होते हुए कहां पर जाके गिरती है, उत्तरी सागर में जाके गिरती है। कुछ और नदी है जैसे टाइबर नदी, यह एपेनाइन पर्वत श्रृंखला से निकलती है और वेटिकन सिटी और रोम इसी तट पर अवस्थित है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। लंदन की टेम्स नदी इंग्लैंड में से जाती है और जो लंदन है हमारा वो इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। रोन नदी यह स्विट्जरलैंड के आल्प्स से निकलकर जिनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और लोइंस भूमध्य सागर में लोइंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदी सोन है, ठीक। कुछ और नदी है, नीपर नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वल्दे पहाड़ियों से हुआ है और यह जाके कहां पर गिरती है, काला सागर में गिरती है। यूक्रेन की राजधानी क्यू इसी नदी के तट पर अवस्थित है। डोन नदी रूस के टूला से निकलती है और अजो सागर में जाकर गिरती है। रूस का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोस्टो बंदरगाह इसी पर अवस्थित डोन नदी पर। ड्यूरो नदी स्पेन से होते हुए जाती है और अटलांटिक महासागर में जाके अपना जल गिराती है। कुछ महत्वपूर्ण जो झील है यूरोप की वो देखते हैं। जो लडोगो झील है वो यूरोप की सबसे बड़ी झील है और रूस में अवस्थित है, ठीक है। ओनेगा झील यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह रूस में अवस्थित है। वेटन झील यह स्वीडन की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, वेनन झील यह भी स्वीडन की झील है। कॉन्स्टेंस झील यह जर्मनी स्वीडन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है और राइन नदी यहाँ से होकर बहती है। जिनेवा झील फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है और राइन नदी यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक। कुछ घास भूमि है जैसे अस्टेपीज यूरेशिया में अवस्थित शीतोष्ण के घास के मैदान है और यहाँ की अस्टेपीज जो क्षेत्र है उसकी जो दो महत्वपूर्ण नदी एक वोल्गा और यूराल। अस्टेपीज घास के मैदान में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है जो यहाँ पर पौष्टिक घास के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए यहाँ पर पशुपालन और कृषि का अधिक विकास हुआ है। हंगरी देश में अस्टेपीज जो घास के मैदान है उनको पुस्ताज कहा जाता है। तो अब हम इसकी कुछ जल संधि देखेंगे और जल संधि के बाद कितना बच गया यूरोप द्वीप, अच्छा ठीक है, स्थानीय पवन और ठीक हिडनबर्ग, ठीक ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। आप इतना दो मिनट रेस्ट करो।
शुरू करते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। अंगद गुप्ता, गुड गुड मॉर्निंग, कैसे भाई अंगद? हाँ तो शुरू करते हैं। यूरोप के हमने घास भूमि देख ली, अब यूरोप के हम जलसंधि देखते हैं। कौन कौन सी है यूरोप की जलसंधि? हाँ, जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक। यहाँ पर मोरक्को अफ्रीका देश में स्पेन का एक क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारा ये है और ये हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप है और ये भूमध्य सागर है, इटली है, ये इस तरह से ये हमारा ये अफ्रीका है, ये यूरोप, ये जिब्राल्टर जलसंधि है, भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो स्पेन का क्यूट सिटी यहाँ पर है और इंग्लैंड का जिब्राल्टर सिटी यहाँ पर है स्पेन में, ठीक है। तो इसको यानी कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में है। डोवर जलसंधि यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी जो चैनल है उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है और आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है और आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है। क्रेच जलसंधि एजो सागर को काला सागर से जोड़ती है। देखो कर्च जलसंधि कैसे है, ये हमारा कर्च प्रायद्वीप है ऐसे और इसी के नीचे है ब्लैक सागर, तो यहाँ पर ही कर्च जलसंधि है। कुछ द्वीप है यूरोप के जैसे माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में है और इसकी राजधानी माल्टा क्या है? बेलिटी। साइप्रस द्वीप ये भी भूमध्य सागर में है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है साइप्रस की माउंट ओलंपस है और इसकी जो सबसे बड़ी झील है साइप्रस की उसका नाम है अलिक्की। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में इटली का जो द्वीप है। सार्डिनिया द्वीप सराडिना यह भी इटली का एक द्वीप है भूमध्य सागर में। क्रोशिया द्वीप यह फ्रांस का है और यह भूमध्य सागर में है। क्रीट द्वीप यह ग्रीस यूनान यानी कि ग्रीस का देश है द्वीप है और यह भी भूमध्य सागर में है और क्रीट की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ईडा है। यूरोप में कुछ स्थानीय पवन है जैसे ठंडी स्थानीय पवन और गर्म स्थानीय पवन उनको भी देखते हैं। ये गर्म स्थानीय पवन है ये ठंडे स्थानीय पवन है फ्रांस में, ठीक है। हाँ फ्रांस जो हवा है ठंडी हवा सॉरी गर्म हवा वो फ्रांस और इटली में बहती है। लेवेट गर्म हवा स्पेन में बहती है। लेस्ट हाँ लेस्ट मेडिरा और कनारी जो द्वीप है वहां पर गर्म लेस्ट पवन बहती है। अयाला फ्रांस में बहती है। मारिन दक्षिणी फ्रांस में बहती प्रवाहित होती है। सुखेव रूस और कजाकिस्तान में प्रभावित होने वाली गर्म स्थानीय पवन है। ठंडी पवन कौन कौन सी? फ्रांस में मिस्टल है भूमध्य यानी कि मध्य यूरोप में बोरा ठंडी हवा है। बिल्जर्ड ध्रुवीय पवन है जो साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में चलती है। बुरान जो हवा है ठंडी वो रूस और मध्यवर्ती एशिया में है। यहाँ पर ध्रुवीय पवन बाइज है जो दक्षिणी फ्रांस में प्रभावित होती है। टारामोंटाना पश्चिमी भूमध्य सागर में प्रवाहित होती है। लेवेंट ठंडी हवा फ्रांस स्पेन में चलती है। जूरेन स्विट्जरलैंड में चलती है। ग्रे गाले या मध्यवर्ती भूमध्य सागर में चलती है। मैस्ट्रो भूमध्य सागरी क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। तो ये कुछ सीमा रेखा है जैसे क्या हाँ मैटर हिन जो रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनेट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ओडरनिस जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सीगफ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य अवस्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देखते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो 9332 किलोमीटर लंबा है और इस जो रेल मार्ग है उस पर अवस्थित शहर है सेंट पीटर्सबर्ग मास्को कोविस चिलियाबिंस्क चीता खबरोशियांग और ब्लाडिवोस्टक। ब्लाडिवोस्टक अटलांटिक प्रशांत महासागर के तट पे है जबकि सेंट पीटर्सबर्ग किधर है लैडोगो जो जो झील है उसी के तट पर अवस्थित है ब्लाडिवोस्टक। दूसरा यूरोप का महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है ओरिएंटल एक्सप्रेस मार्ग है जो पेरिस फ्रांस से कस्तूनिया तुर्की तक जाता है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण तो यूरोप का ये हमारा खत्म हो गया।
ये यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, इनको आप देख लेना क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है? नहीं, अब हम हाँ तो शुरू करते भाई। अब हम एशिया का भौतिक प्रदेश देखेंगे, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत एशिया के क्या क्या है उन सभी को देखेंगे। हिमालय पर्वत, ये एशिया में ही है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें की सबसे पर्वत ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही है, जिसका नाम गाडविन आस्टिन है, इसको केटू भी बोलते हैं, और केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी वह भी हिमालय में ही है, उसका नाम कंचनजंगा है, यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कराकोरम पर्वत भारत और चीन के मध्य अवस्थित है, और कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट गाडविन आस्टिन यानी कि केटू है। अरावली पर्वत, अच्छा जब हम भारत पढ़ाएंगे तो अरावली पर्वत तो पढ़ा देंगे, ये दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। तो यहाँ पर अराकान योमा पर्वत देखते हैं जो बर्मा देश में अवस्थित है, ठीक, और यही अराकान योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऊपर दिखाई देता है हल्का हल्का, ठीक है? नहीं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अराकान योमा की, उसका नाम विक्टोरिया है। अराकान योमा पर्वत विश्व के जो 36 हॉटस्पॉट है उनमें से एक है। एल्बुर्ज पर्वत, हमने बताया ना ये जो ये फारस का क्या है, ये वाला, ये क्या है हमारा ईरान, ये इसके उत्तर में एल्बुर्ज है, नीचे दक्षिण में जैगरोस है, और ये दोनों यहाँ से पामीर की घाट में मिल जाते हैं, फिर यहाँ से तारस और पोंटिक पर्वत श्रृंखला जाती है जो कहाँ से है, तुर्की में अनातोलिया का पठार इन दोनों के अवस्थित है। तो ईरान में ये एल्बुर्ज है, ये जैगरोस है। एल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है माउंट देवबंद है, जो ज्वालामुखी पर्वत है ईरान में। ईरान के दक्षिण में माउंट जैगरोस है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का है ना देना है फुजीयामा पर्वत जापान में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। पोंटिंग और तारस पर्वत दोनों ही तुर्की में है, ऊपर का जो पर्वत है वो पोंटिंग है, नीचे का क्या है तारस है, ठीक है? इन दोनों के नीचे क्या है, ये अनातोलिया का पठार है, और ये दोनों पर्वत कहां पर मिलते हैं, पामीर की घाट में मिलते हैं। पामीर की घाट में ही अरारत माउंटेन है और जो मर्त ज्वालामुखी है तुर्की देश में अवस्थित है, ठीक है? तिब्बत का पठार चीन में अवस्थित है, यह सबसे ऊंचा पठार है यहीं से, और यह हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है। देखो जैसे ये है ना, एक मैप बना ही देते हैं, आप ऐसे मानो ये दो घाट है बीच में, एक ये है यहां पर, एक ये है यहां पर, ठीक है? ये हाँ, तो ये देखो यहां से कुल्लून पर्वत, ठीक, कुल्लून, फिर यहां से ये आगे जाके अल्टून शान, तियन शान, नान शान, ये इस तरह से याब्लोनोवी पर्वत, स्टेनोवी पर्वत, ये रूस में चले गए, ठीक है? ये इस तरह से यहां पर फिर आ गया यूनान का पठार, यहां पर लाल बेसिन, ठीक है, यूनान का पठार, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर जो ये है ये हमारा तिब्बत का पठार है, ठीक है, यानी कि कुल्लून पर्वत श्रेणी, ये अल्टून शान है, और यहाँ पर ये क्या है लाल बेसिन, और यह यूनान का पठार। यहाँ पर टकला मकान डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट में यहाँ पर क्या है तारिम बेसिन है, इधर ये गोभी का मरुस्थल है मंगोलिया में, यहाँ पर ये ग्रेट खिंगन पर्वत है, ये लोस भूमि है चीन की, ठीक है? नहीं, इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला है। तो पामीर की घाट से एक पर्वत निकली हिंदू कुश, ये फिर कोपेत दाग है, और फिर ये एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला ये मिल गई यहाँ पर किसमें, आर्मेनिया की घाट में, ये पर्वत श्रृंखला फिर गई जैगरोस पर्वत श्रृंखला, और यहाँ से सुलेमान किरथर मकरान, ये पाकिस्तान में, और ये जो ईरान में है जिसका नाम क्या है जैगरोस, और इसका नाम क्या है एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी, ठीक है? यहाँ से दो पर्वत श्रृंखला निकली ऐसे, ये तुर्की में ऊपर की क्या है टारस, नीचे की पोंटिंग, और दोनों के मध्य अवस्थित है अनातोलिया का पठार। तो देखो दो घाट है, एक घाट ये है जिसको हमें पामीर की घाट बोलते हैं, एक घाट ये है जिसको आर्मेनिया की घाट बोलते हैं। अब शुरू से देखते हैं, ठीक है?
यहाँ पर अरल सागर है, यहाँ पर एक नदी बहती है सिरदरिया, एक बहती अमूदरिया, ये भी यहाँ पर पामीर की घाट से निकलती है। और यहाँ पर जो अर्मेनिया की घाट है यहाँ से दो नदी निकलती है दजला और फरात, और ये फारस की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो देखो ये पामीर की घाट है, यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखला निकली है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, अल्टुनसान, अल्टुनसान और कुनलुन के दक्षिण में है तिब्बत का पठार, इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत, अल्टुनसान के इधर है हमारा चीन में लाल बेसिन, फिर यूनान का पठार। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेट हिंगन पर्वत, लोएस का पठार, गोबी का मरुस्थल, ये अष्टावनवी पर्वत, ठीक है, और ये यहाँ पर अल्टाई पर्वत, ये बहुत सारे पर्वत है, ये टकला मकान डेजर्ट है, ये तूफान बेसिन है, ये फिर किर्थर सुलेमान मकरान, ये हिंदू कुश, कोपेत दाग, अलबुर्ज, जैगरोस, ये टारस पोंटिंग, ये अनाटोलिया का पठार, और यहाँ पर ये जो इस तरह से है ठीक है, ये यहाँ पर दास्ते कवि दास्ते लूट, ये मरुस्थल है ईरान के, यहाँ पर भी, और ये क्योंकि यमन है, ये ओमान है, ये सऊदी अरब है, ये नजद नफद और रूबल खली हैजाज पर्वत असीर माउंटेन, ये सऊदी अरब में, ये इस तरह से सारे वे है पर्वत। अब इन्हीं के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। नहीं तो हमने कहां पर देख लिया था, पामीर की घाट देख रहे हैं। कल भी क्लास है हमारी, ओके ओके, तो तिब्बत का पठार देख लिया, ठीक है, पामीर की घाट देखते हैं। ये चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार होने के कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, और यहीं से बहुत सारे जो पर्वत है यह उनका मिलन बिंदु है, पामीर की गांठ या ग्रंथि इसलिए कहा जाता है। ईरान के ईरान में एक पठार है, अच्छा ये हमने देख लिया, हाँ ये, हाँ ठीक है ठीक है, पर्वत देख लिया हमने, एशिया के, अब पठार देखते हैं एशिया के। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर है, चीन में है, ठीक, ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, ठीक, और हिमालय और कुल्लन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। पामीर का पठार ये चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान में, और इसी पठार पे पामीर की गांठ है जहां बहुत सारे पर्वत आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ईरान का पठार, इसके उत्तर में अलबुर्ज पर्वत है, दक्षिण में जागरूस पर्वत है, उन दोनों के मध्य ये ईरान का पठार है, और इसी पठार के हिस्से में कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है जिनको हम आगे देखेंगे। उन वे कौन कौन से मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक तो दास्ते लूट है, ये भी ईरान में, दास्ते कबीर है, तफ्तान है, ये सारे क्या है ईरान में। अनातोलिया का पठार तुर्की में, जिसके यह भी एक अंतर पर्वतीय पठार है, जिसके एक तरफ पारस पर्वतमाला है, दूसरी तरफ कौन सी है, पोंटिंग पर्वतमाला, और इसको तुर्की को एशिया माइनर भी बोलते हैं। शान का पठार म्यांमार में अवस्थित है, और ये इरावदी सालविन नदियों के मध्य अवस्थित है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में, ठीक है। कोरात का पठार कहां पर है, थाईलैंड में अवस्थित है। टकला मकान का पठार ये चीन में है। दक्कन का पठार भारत में है। छोटा नागपुर का भी पठार भारत में। मंगोलिया का पठार चीन और मंगोलिया की सीमा पे, और मंगोलिया के पठार में ही यहीं पर गोबी मरुस्थल है। यूनान का पठार भी चीन में है, जो टीन, लोहा, कोयला के लिए जाना जाता है। एशिया में कुछ मरुस्थल है, थार मरुस्थल एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है विश्व में, यानी कि अगर किसी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है किसी मरुस्थल में तो वो थार मरुस्थल में मिलती है, भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में अवस्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण यह मरुस्थल बन गया। कराकुरुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में अवस्थित है। टकला मकान डेजिटर जो डेजर्ट है वो चीन में अवस्थित है। रूबल खली सऊदी अरब में अवस्थित है, ठीक, और यह सब विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। जीवाश्म ईंधन के भंडार, ये तेल के भंडार मिलते हैं वो यहीं पर मिलते हैं सऊदी अरब में। किजिल कुम मरुस्थल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। और लफ्त मरुस्थल सऊदी अरब में है। दास्ते कबीर मरुस्थल ये ईरान में है, इसको ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं। दास्ते लूट भी ईरान में है, ये भी मरुस्थल है। अब एशिया की कुछ नदियां देखते हैं। एशिया की सबसे जो लंबी नदी यांगटिक सिक्यांग नदी है, जो चीन में मुख्यतः प्रवाहित होती है, और ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए चीन, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसी नदी पर चीन का सबसे बड़ा बांध बनाया, थ्री गाजेस बांध। हांगहो नदी, देखो जैसे चीन है हमारा, ये वाला ऐसे चीन है हमारा इस तरह से, तो ये हांगो नदी उत्तर में, यांगटिक सिक्यांग दक्षिण में, फिर सिक्यांग नदी, फिर रेड नदी, चार नदी बह रही है इसे, ठीक है।
तो हांगो नदी चीन के बयान की पहाड़ियों से मतलब निकलती है और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर अवसाद मिलते हैं और उन अवसादों की वजह से लोएस भूमि का निर्माण हुआ है। जब यह नदी लोएस की भूमि से जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहा जाता है। इस हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। और ये नदी, हाँ, मेकांग नदी देखते हैं। यह नदी चीन से इसका उद्गम हुआ है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के ट्री पॉइंट से गुजरती है, जिसको स्वर्ण त्रिभुज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसे गैर कानूनी खेती की जाती है अफीम वगैरह की। ठीक है, नहीं, गोल्डन ट्रायंगल इसी तरह है। कहाँ पर ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में। इरावदी नदी, इसका उद्गम म्यांमार से होते हुए अराकान योमा पर्वत के से गुजरते हुए अंडमान मर्तबान की खाड़ी में जाकर गिरती है, और यह म्यांमार को दो भागों में विभाजित करती है। इसकी सहायक नदी चिंदविन है। ठीक है, अमूर नदी यह रीस चीन और रूस की सीमा से मतलब क्या करती है, मतलब होते हुए बहती है अमूर नदी। सीर दरिया, अमूर दरिया दो नदियां हैं जो पामीर की घाट से निकलती है और अरल सागर में जाके गिरती है। यूफ्रेटस नदी अर्मेनिया की घाट से निकलती है। ठीक है, टाइग यानी कि दजला और फरात जो नदियां हैं, यो अर्मेनिया की घाट से निकल के फारस की खाड़ी में गिरती है। ठीक, हाँ, टिग्रिस नदी, अच्छा ये वही हमने जो बता दिया वही इसका। सिंधु नदी ये क्या है, ये जब हम भारत पढ़ाएंगे तो सिंधु नदी उसी में पढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा है। ठीक है, नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है और कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेंगयांग दुंग जो हिमनद है वहां से निकलती है, और भारत में इसकी लंबाई 919 किलोमीटर है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम है। ठीक, हेलमंद नदी यह हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और यहाँ पर अफीम की गैर कानूनी खेती की जाती है, और गोल्डन जो क्रिसेंट है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जहाँ इसकी खेती है, और ईरान इसका पारगमन यानी कि इसके व्यापार का एक स्थल रूट प्रदान करता है। तो गोल्ड जैसे भारत है, भारत ये है। ठीक है, तो भारत के एक साइड में गोल्डन ये है ट्रायंगल, एक साइड में गोल्डन क्रिसेंट है, दोनों में अवैध अफीम की खेती होती है यानी कि नार्को आतंकवाद दोनों जगह पनपता है। ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में है, और ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट कहां पर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में, दोनों भारत के दोनों ओर अवस्थित है, इसलिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों का मुख्य वजह ये भी है। ठीक है, नहीं, लीला नदी रूस की बैकाल झील से निकलती है, लैप्टो सागर में जाकर गिरती है, और यह नदी आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। एशिया में कुछ महत्वपूर्ण झील है, कैस्पियन सागर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और 5 देशों से सीमा लगती है। इस कैस्पियन सागर झील की ईरान से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, वोल्गा और यूराल नदी दोनों इस कैस्पियन सागर झील में जाके गिरती है। मर्स सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है और यह विश्व की सबसे खारी, दूसरी सबसे खारी झील है। और विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तुर्की की वान झील। ठीक है, नहीं, देखो, विश्व की सबसे खारी झील है तुर्की की वान झील, और दूसरी सबसे खारी झील है कौन सी, मर्स सागर। बैकाल झील यह रूस में अवस्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। लीला और अंगारा नदी का उद्गम यहीं से होता है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कुछ और झील है जैसे अरल सागर, हमने बता दिया अरल सागर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिर दरिया गिरती है और दक्षिण में आमू दरिया गिरती है। दोनों झील कहाँ से निकलती है, पामीर की घाट से निकल के अरल सागर में गिरती है। टोबा झील इंडोनेशिया के समातरा द्वीप पर अवस्थित है और यह झील एक तरह की क्रेटर झील है। बालकस झील कजाकिस्तान में, इस कुल झील कहाँ पर अवस्थित है, इस कुल झील, अच्छा ये यहाँ पर दिया नहीं गया। किंघाई झील चीन की सबसे बड़ी झील है। टानले स्वैप कहाँ पर है, कंबोडिया में है। ठीक, और जो विश्व के 36 हॉटस्पॉट है उसमें टानले स्वैप भी है। कुछ जल संधियां जैसे एशिया में मलक्का जल संधि, ये सुमात्रा को मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी को चीन सागर, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। जैसे ये है, ये यहाँ पर ये जल संधि है, यही पर कलास्थमस है, इसी को मलक्का जल संधि, मल्ले प्रायद्वीप है और सुमात्रा द्वीप है।
बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और यूरोपीय तुर्की को एशिया तुर्की से अलग करती है। बाबल मंदिर जल संधि हमने बता दिया, लाल सागर को अरन की खाड़ी से जोड़ती है और अफ्रीका के जिबूती को एशिया के यमन से अलग करती है। इसको आंसुओं का द्वार भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ईरान को ओमान से अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, ठीक है जी। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से, अच्छा ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ताइवान जल संधि या फार्मोस जल संधि ताइवान और चीन के मध्य, सुंडा जो जल संधि है दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है और दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है और इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उन दोनों द्वीपों को अलग करती है। जोहर संधि मलेशिया सिंगापुर को अलग करती है। मकसद जल संधि बोर्नियो को सुलविस जो द्वीप है उससे अलग करती है। लुजोन जो संधि है ताइवान ताइवान और फिलीपींस के मध्य अवस्थित है ये लुजोन जल संधि। कुछ द्वीप है महत्वपूर्ण एशिया के जैसे अरब, अच्छा द्वीप और ये प्रायद्वीप है दोनों, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह द्वीप विश्व का एक ऐसा द्वीप है जिसपे तीन देशों का अधीन है जैसे इंडोनेशिया मलेशिया बोर्नियो। फिलीपींस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है जैसे लुजोन द्वीप और लुजोन द्वीप पर ही इसकी राजधानी फिलीपींस की मनीला, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विकास अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का केंद्र है और एशिया डेवलपमेंट एशिया जो डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ से, फिलीपींस के मनीला में। मलेशिया का जो कालीमंतान द्वीप है वहाँ पर टीन के भंडार मिलते हैं। जावा द्वीप इंडोनेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी दोनों के अधीन है और टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से इस पापुआ न्यू गिनी द्वीप को अलग करती है। बाली द्वीप इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। कुछ द्वीप और है, रूस का सखालिन द्वीप है, ठीक है। होकाइडो द्वीप जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यही पर होकाइडो द्वीप पे आइनू जनजाति पाई जाती है। होनसे होकाइडो द्वीप जो है जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। होनसे द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पे जापान की राजधानी टोक्यो है और होनसे द्वीप पे जापान की फ्यूजियामा जो जल ज्वालामुखी पर्वत है वो है, ठीक है। शिकोको द्वीप ये भी जापान का ही एक महत्वपूर्ण द्वीप है। अन्य द्वीप क्यूसो ये भी जापान का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। मालदीव दक्षिणी एशिया का सबसे छोटा देश है। ताइवान यह एक द्वीप है, ये भी एशिया में पड़ता है। सेनकोको द्वीप ये पूर्वी चीन सागर में और चीन और जापान के मध्य विवादित क्षेत्र है। फिलीपींस द्वीप लुजोन, फिलीपींस का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो लुजोन है, उसी पर चीन की राजधानी सॉरी फिलीपींस की राजधानी मनीला अवस्थित है। फिलीपींस के कुछ और द्वीप है जैसे मिंडनाओ द्वीप, इसी पर मिंडनाओ द्वीप पर माउंट अप्पो है जो फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी है। बैरन द्वीप फारस की, बैरन द्वीप ये फारस की खाड़ी में नहीं है, ठीक है। बैरन द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। फुकेट द्वीप अंडमान सागर में स्थित थाईलैंड का एक अधीन क्षेत्र है। कुछ सागर है जैसे काला सागर लाप्टो सागर पूर्वी चीन सागर, ये रूस के उत्तर में अवस्थित है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। बेरिंग सागर रूस के पूर्व में है और प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर ये प्रशांत महासागर में, जापान सागर ये भी प्रशांत में, पीला सागर ये भी प्रशांत में, पूर्वी सागर ये भी प्रशांत महासागर में, हाँ दक्षिणी चीन सागर ये भी प्रशांत में, सुल्लू सागर प्रशांत में, सेल्विस सागर भी प्रशांत में, बांदा सागर भी प्रशांत में, फ्लोरेस मलक्का ये सारे के सारे सागर प्रशांत महासागर में। जावा सागर तिमोर सागर अराफूर सागर ये सारे के सारे प्रशांत महासागर में। बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर भी हिंद महासागर में और लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, यह भी हिंद महासागर का हिस्सा है। कुछ खाड़ी है जैसे ओब की खाड़ी, ये यमल प्रायद्वीप और गायदा प्रायद्वीप के बीच में और ये आर्कटिक महासागर में। चिल्ली की खाड़ी चीन के पूर्व में जहाँ पर पीला सागर अवस्थित है। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में चीन सागर में है। थाईलैंड की खाड़ी थाईलैंड के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर में। फारस की खाड़ी अरब प्रायद्वीप को ईरान से अलग करती है, ये हिंद महासागर में। ओमान की खाड़ी ईरान और ओमान के मध्य है, ठीक है। अदन की खाड़ी सोमालिया और यमन के मध्य है। अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप और अकाबा जॉर्डन के मध्य है, ये लाल सागर में अवस्थित है। कुछ मैदान है, मंचूरिया का मैदान चीन के उत्तर में है और यहीं से अमूर नदी बहती है और मुकेदन त्रिभुज भी यहीं पर अवस्थित है जो लौह इस्पात का केंद्र है। कहां पर,
हाँ ज्योति, बंगाल की खाड़ी, सही सही, कैसे ज्योति? ठीक है। चीन का विशाल मैदान हांगो नदी और यांगटिक सिक्यांग नदी और सिक्यांग नदी से मिलता है। तीन नदी है, हांगो, यांगटिक सिक्यांग और सिक्यांग नदी से मिलकर चीन के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तुरानी का मैदान अमू दरिया, सरिया, सरू दरिया दोनों नदियों से मिलकर इस मैदान का निर्माण हुआ है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान यूराल से लेकर येनिसी नदी तक पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है। सद्दाम बेसिन अल्टून शान और क्लुन शान जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच है, और यह जो सैदाम बेसिन तेल भंडार के लिए जाना जाता है। सिचुआन बेसिन भी चीन में है और ये यूनान के पठार के उत्तर में है, और सिचुआन बेसिन की महत्वपूर्ण नदी यांगटिक सिक्यांग और सिक्यांग नदी है, और सिचुआन बेसिन को लाल बेसिन या चीन का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कुछ मरुस्थल है किसमें? एशिया में कुछ मरुस्थल उनको भी देख लेते हैं, जैसे रूबल खली सऊदी अरब में, सऊदी अरब के दक्षिण में, अल नाफद मरुभूमि सऊदी अरब के उत्तर पूर्व में, दास्ते कबीर ईरान में है, दास्ते लूट ईरान में है, दास्ते कभी दास्ते लूट ईरान में है। हाँ ये देख रहे थे ना हम। कुछ अंतरराष्ट्रीय जो हमारी सीमा रेखा है एशिया की वो देखते हैं। डोरंड लाइन भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोन भारत और चीन के मध्य, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। ठीक है। कुछ जनजातियां मिलती है एशिया में उनको देखते हैं, जैसे पर्सन हर वर्ष यहाँ से आता है जनजातियों से, तो इनको भी देखते हैं, जैसे क्या समोइड और ओसलयाक, तुंगू, याकूत, युकाधि, चकची, कोरिया, ये सारी की सारी एशियाई टुंडा प्रदेश में मिलती है। ये तातर तातर है, तातर ये भी साइबेरिया में मिलती है। कालमुख, गिरगिज, कज्जाक ये मध्य एशिया में मिलती है। श्रीलंका में जो जनजाति मिलती है उसका नाम वेद्या है। सेमांग जनजाति मलेशिया में, बोर्नियो द्वीप पे जो जनजाति मिलती है फूनान है, बद्दू और प्रायद्वीप में मिलती है, आइनू जनजाति जापान में मिलती है, अफ्रीदी पाकिस्तान में मिलती है। हाँ ये कुछ स्थानांतरणशील कृषि है। स्थानांतरणशील कृषि क्या है, जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जनजातियां लोग उपजाऊ मैदान प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों के बाद एक भूमि को छोड़ देते हैं, उसके अवशेष को जलाकर मिला देते हैं ताकि वो उपजाऊ हो जाए, फिर अन्य नए क्षेत्र को तलाश करते हैं, इसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से ये गलत है, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इस स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया मलेशिया में रद्दांग कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। फिलीपींस में केमिंग कहा जाता है। इंडोनेशिया जावा में इसको हुमा कहा जाता है। तुंगा इसको म्यांमार में कहा जाता है। चिन्ना इसको श्रीलंका में कहा जाता है। भौतिक भाग देखते हैं इसका क्या क्या है। देखो ये अफ्रीका से संलग्न कुछ सागर है, उनकी अवस्थिति और जिस देश से संबंधित है। देश आप देख लेना, मैं सागर बता देता हूं। भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, अफ्रीका के उत्तर में अवस्थित है। लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है और अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्व में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर अफ्रीका के पश्चिम में अवस्थित है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक देश के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है। ये कुछ खाड़ी है अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी टोगो, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून देशों से लगी है, और यहीं से गिनी की खाड़ी से विश्व थे गिनी के दक्षिण में। ठीक है। वालविस की खाड़ी नामीबिया के पश्चिम में, मापुतो की खाड़ी मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में है। ठीक। जिब्राल्टर जलसंधि, अब जब हम जलसंधि देख रहे हैं, ठीक है, नहीं, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बाबल मंदेब जलसंधि आपको बताया था क्या, यहीं से सोमालिया के डाकू अपने वो करते हैं। ये सोमालिया और यमन के बीच में, सोमालिया अफ्रीका में, यमन एशिया में, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अफ्रीका के कुछ तटीय मैदान हैं, उन तटियों के मैदान का अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में पड़ते हैं, जैसे ग्रेन कोस्ट यानी कि खाद्यान्न तटीय रेखा, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, और स्लेव कोस्ट। तो ग्रेन कोस्ट कहाँ पर पड़ता है, सीरिया लियोन और लाइबेरिया में, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट देश में, घाना का तटीय मैदान गोल्ड कोस्ट कहलाता है, और स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, नाइजीरिया में पड़ता है। ये पूछे जाते हैं भाई परीक्षा में। अफ्रीका की भ्रंश घाटी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है भ्रंश घाटी घाटी कहाँ से जाती है, जार्डन से शुरू होके, जार्डन इजराइल से शुरू होके
लाल सागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में जाती है, तो उसी को देखते हैं। ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी में जाम्बिया, मलावी, न्यासा झील अवस्थित है, टैंगानिका झील अवस्थित है, केन्या, इथियोपिया लाल सागर से होते हैं। ये लगभग 5000 किलोमीटर लंबी एक लंबी संकरी घाटी है, ठीक है। नहीं, स्वेज नहर देखते हैं। स्वेज नहर, स्वेज जो नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर या स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। इसके उत्तर में पोर्ट सैयद है जो भूमध्य सागर के ऊपर अवस्थित है, और दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इसके उत्तर से दक्षिण तक कुछ झीलें हैं जिसका नाम है मंजाला, तिमसा, बिट्टर, लिटिल। देखो ऐसे हैं, ये हमारा सिनाई क्या है, ये सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है। और ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। और ये देखो, ये अरब प्रायद्वीप है, ये लाल सागर है, ये बाबल मंदेब जल संधि है, और ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है। तो सिनाई जो प्रायद्वीप है, ये वाला मान लिया, ये सिनाई प्रायद्वीप है, तो इसके इधर जो है अकबा की खाड़ी है, और इधर ये एक नहर है जिसका नाम क्या है, स्वेज नहर, ये वाली ये नहर, ठीक है। नहीं, और ये ऐसे, ठीक। ये स्वेज नहर, तो ये जो यहां पर है पोर्ट सैयद भूमध्य सागर पे है, और पोर्ट स्वेज इसके दक्षिण में। तो इसके उत्तर से दक्षिण तक कुछ झीलें हैं, जैसे मंजला झील सबसे उत्तर में, फिर टिमसा झील है, फिर ग्रेटर बिट्टर है, फिर लेसर बिट्टर है। ये चार झीलें जो स्वेज नहर में पड़ती है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाते है। तो सिनाई प्रायद्वीप एक महत्वपूर्ण स्थल संधि है जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। सिनाई जो प्रायद्वीप है, इसी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैथरीन है, ठीक है, जो मिस्र का भाग है। और देखो, सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ क्या है, लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर गुजरती है, और एक तरफ इसके अकबा की खाड़ी यानी कि जॉर्डन का जो देश, जॉर्डन जो देश है उसका एक सिटेज अकाबा, जो अकाबा की खाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे तो समझ जाएंगे, हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण कुछ झील देख रहे थे जिनके नाम क्या है, मंजाला सबसे उत्तरी झील है, फिर तिमसा, फिर ग्रेट बिट्टर, फिर लिटिल बिट्टर, ठीक है। कुछ झील है अफ्रीका में क्या है, करीबा झील, करीबा भी जो झील है जाम्बिया में है, और जिम्बाजी नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे है, और इसमें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। न्यासा झील जिसको मलावी झील भी बोलते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। मवेरू झील, यह जायरे और जाम्बिया की सीमा पे है। टंगानिका झील, यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। और बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है विश्व की, और अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। एडवर्ड झील युगांडा देश में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और यह युगांडा, कीनिया, तंजानिया के बीच अवस्थित है। विक्टोरिया झील से ही हमारी क्या निकलती है, व्हाइट नील निकलती है। विश्वत रेखा भी इस झील से गुजरती है। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित एक ऐसी झील है जो भ्रंश घाटी में नहीं पड़ती, ठीक है। नहीं, प्रश्न पूछा जाता है, कैस्पियन सागर और सुपीरियर सागर के बाद यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। तुर्काना झील जिसको रिडोल्फ झील भी कहते हैं, यह कीनिया और इथोपिया में अवस्थित है। ताना झील इथोपिया में है, और यहीं से ब्लू नील निकलती है। देखो, दो नील नदी जैसे ये है ना मिस्र में जाती है, तो ये लैक ये इस तरह से, ये ताना झील है, ये विक्टोरिया झील है। यहाँ से व्हाइट ब्लू निकलती है, यहाँ से ब्लू नील निकलती है, जब ये आपस में मिल जाती है तब ये नील नदी कहलाती है, ठीक है। नहीं, नासिर झील नील नदी पर अवस्थित है, और मिस्र सूडान के मध्य अवस्थित है। नासिर झील के पास ही आसवान बांध बना है। चाड झील, चाड कैमरून और नाइजीरिया तीनों देश में पड़ती है सीमाओं पर। वोल्टा झील घाना में पड़ती है। असाल झील जिबूती में, जो अफ्रीका का सबसे निम्नतम भाग है। जैसे किसी भी देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है तो किसी देश का सबसे गहरा स्थल भी होता है, असाल झील है वो अफ्रीका में। नील झील
कि दो क्या है नदी है, दोनों मिलकर आपस में नील झील का सॉरी नील नदी का निर्माण करते, तो नील नदी जो है, नील नदी ब्लू झील और व्हाइट झील के मिलने से बनती है। ब्लू झील का जो उद्गम हुआ है वो ताना झील से इथोपिया से हुआ है, और विक्टोरिया झील से श्वेत नील का हुआ है। आपस में दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं, और यह नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इसका जो डेल्टा है वो चापाकार है, ठीक है। ब्लू नील और व्हाइट नील जहाँ पर मिलती है वो सूडान का खार्तूम शहर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी है, और मिस्र में इसको नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम विश्व की अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियाँ देख रहे हैं। अब जायर और कांगो नदी को देखते हैं। इसका जो स्रोत है लुआ लावा या एवं लुआ पुला नदी के संगम जब दोनों होते हैं तो जायर नदी का निर्माण करते हैं, और यह मतारी बंदरगाह अटलांटिक महासागर में गिरती है, और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अपवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कसाई है, उबांगी है, और कसाई नदी में हीरे का उत्खनन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पे है। इंगा बांध भी इसी नदी पर है। ब्राजिया ब्राजीविले किनसासा मताडी और बोमा इसके तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण सिटी है। नाइजर नदी यह फुटा जालोन पर्वत से निकलती है, यानी कि फुटा जालोन पर्वत कहाँ पर है, सीरा लियोन में, ठीक। और इसका मुहाना कहाँ पर गिरता है, गिनी की खाड़ी में। अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है, और इसकी सहायक नदी बेन्नू है। इस पर जो अवस्थित है एक बंदरगाह हार्ट कोर्ट, और यह पोर्ट कहाँ पर है, नाइजीरिया में। जम्बेजी नदी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कटंगा के पठार से निकलती है, मोजम्बिक चैनल में गिरती है, और इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, और इसी पर करिब्बा झील है, इसी नदी पर जहाँ पर करिब्बा डैम बना है। कोबारो बासा बांध भी इसी नदी पर बना है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई ये नदी बहती है। ठीक है। ऑरेंज नदी और ये लिम्पोपो नदी दोनों ये दक्षिण अफ्रीका में से प्रवाहित होती है। ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका में जो डेकेंसबर्ग पर्वत है, जिसको लेसोथो भी बोलते हैं, लिसोथो देश में अवस्थित है। ये छोटा सा देश है, दक्षिण अफ्रीका ने उसको घिरे हुए है। वहां पर अवस्थित डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। जैसे ये हमारा अफ्रीका क्या है, दक्षिणी अफ्रीका है, तो यहाँ पर एक देश है लेसोथो, यहाँ पर डेकेंसबर्ग पर्वत है, इसी से निकलती है ऐसे, और इसकी एक सहायक नदी है क्या, वाल नदी, ठीक है। एगोरे बीच प्रपात इसी पर अवस्थित है, ऑरेंज नदी पर। और यह जो नदी है दक्षिणी अफ्रीका नामीब और की सीमा बनाती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहीं से एक अलग नदी निकलती है जिसका नाम है लिम्पोपो। यह देखो ये तो गिरती है अटलांटिक महासागर में ऑरेंज, और ये गिरती है हिंद महासागर में। इसका निकास हिंद महासागर में, मकर रेखा को दो बार काटती है। यह दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका बोत्सवाना जिम्बाब्वे को अलग करती हुई प्रवाहित होती है। कुछ पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका के, उनको भी देख लेते हैं। कुछ पर्वत और पठार, जैसे एटलस पर्वत, ये एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में हमने बताया था, ठीक है। नहीं एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में, जैसे ये है हमारा जिब, ये है ना, देखा आपने मैप बना देते एक छोटा सा अफ्रीका का। तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर एटलस पर्वत है, ठीक है। नहीं इसके पांच श्रेणी है समानांतर, ग्रेट एटलस पर्वत, एंटी एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत, सारा एटलस। इथियोपिया की उच्च भूमि, इसकी ये हमने एटलस पर्वत देखा, अब इथियोपिया उच्च भूमि देख रहे हैं। इथियोपिया की उच्च भूमि की सबसे ऊंची जो चोटी है रास दाजन है, और यह जो चोटी है अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये जो पर्वत है एटलस मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया देश में विस्तृत है, और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोकल है, ठीक है। और माउंट टोबोकल किस में है, ग्रेट एटलस पर्वत में, ठीक। इथियोपिया उच्च भूमि से लैक टाना से हमारी ब्लू नील निकलती है, ये हमने बताई दिया, ठीक है। माउंट केन्या या केन्या देश में अवस्थित है, और केन्या की सबसे ऊंची चोटी है, और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट केन्या है। हाँ ये केन्या युगांडा की सीमा पे माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जिसको माउंट कीबो
कि वो भी बोलते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया देश में वो स्थित है। सालों भर यह चोटी बर्फ से ढकी रहती है और इसकी ढलानों पर कहवा की खेती की जाती है। डेकन्स पर्वत कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। माउंट रोवेनजोरी, ये जायरे देश में अवस्थित है, इसको माउंटेन ऑफ मून्स भी कहा जाता है। माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कैमरून देश में अवस्थित है। तिब्बती पठारिया मैसिफ, ये चार देश में पड़ता है, ठीक है नहीं। अहगार पठारी कहाँ पर पड़ता है? अल्जीरिया में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट तहत। बोमी निम्बस पहाड़ी, ये सियरा लियोन लाइबेरिया में, और लोहे इसका भंडार यहाँ पर पाया जाता है। कटंगा पर्वत, ये जायरे जाम्बीजिया में पड़ता है, तांबे के और हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। कटंगा यानी कि तांबा बहुत ज़्यादा है। जो उसका पठार ये तीन खंड भंडार के लिए जाना जाता है। माउंट सिनई मैंने बता दिया है कहाँ पर है, मिस्र में, और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कैथरीन है, ठीक है। ओके ठीक, ये हमने कुछ देख लिए। अच्छा एक बार वो देख लेते, ठीक है, ये वैसे देख लिए हमने, ठीक। हाँ ये नहीं देखा, माउंट लोमा, ये सीरा लियोन और गिनी में, ठीक है। नाइजर नदी यहाँ से निकलती है और सारा मरुस्थल में बहते हुए, ठीक है। कटंगा का पठार, ये कुछ पठार देख लेते हैं। कटंगा का पठार ये कांगो जाम्बिया की सीमा पे है, जायरे नदी यहीं से उतर निकलती है, और यहाँ से तांबा यूरेनियम कोबाल्ट पाया जाता है। मालागासी का पठार मेडागास्कर में है। जोस का पठार नाइजीरिया और नाइजर देश में, यहाँ पर जोस के पठार से टीन का भंडार है। ग्रेट कारू का पठार दक्षिणी अफ्रीका में है, और यहाँ से सोने और हीरे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इथियोपिया का पठार इथियोपिया जिबुती में, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, जिसे जिबुती झील में कई सारी झील पाई जाती है। असाल झील एक खारे पानी की झील है, ठीक है। फूटा जालोन पर्वत गिनी गैम्बिया और सेनेगल नदियों का, तीन नदियां यहाँ से निकलती है, जाम्बेजी गैम्बिया नदी और सेनेगल नदी, ठीक है नहीं। बाई का पठार अंगोला में, यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, और इसी से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। अब्सिनिया का पठार इथियोपिया में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी रास दसान है। टंगानिका पठार टंगानिका देश में है, और यहाँ पे टंगानिका झील है। अघार का पठार अल्जीरिया लीबिया नाइजर में है। तिसली का पठार अल्जीरिया में है। उबांगी का पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। अदामाओ का पठार नाइजीरिया और कैमरून में है, ठीक है। अफ्रीका के कुछ मरुभूमि यानी कि मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल, यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। यहाँ पर जो अर्घ है जो रेतीला क्षेत्र है, हमादा है वो पथरीला क्षेत्र है। साहिल जो मरुस्थल है सेनेगल से लेकर सूडान तक विस्तृत है। लीबिया की जो मरुभूमि है वह पथरीली मरुभूमि को यहाँ पर लीबिया में सेरिर कहा जाता है। अरब की मरुभूमि मिस्र में है। नूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर में है। नामीब जो मरुस्थल है वो नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है, और यहीं पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कालाहारा मरुस्थल बुशमैन बोत्सवाना में, और यहीं पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पर अर्ग भी मिलते हैं, रेग हमादा, ये तीनों प्रकार की जो वे है रेत यहाँ पर मिलती है। कनारी ठंडी जलधारा के प्रभाव से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो जनजाति त्वारेग और बहु जनजाति है, ठीक है। कालाहारी का मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका नामीबिया बोत्सवाना की सीमा पे है, और यहाँ पर बुशमैन जनजाति मिल जाती है। यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है वो बेंगोला ठंडी जलधारा का प्रभाव से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। नामीबिया का मरुस्थल अंगोला नामीब और दक्षिणी अफ्रीका में मिलता है, और यहाँ पर खोई जनजाति पाई जाती है। साहेल मरुस्थल सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, जो माली नाइजर चार दक्षिणी सूडान और केन्या में अवस्थित है। वेस्टर्न मरुस्थल लीबिया में। नूबियन मरुस्थल लाल सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो कुछ भूमि पाई जाती है, जैसे सवाना घास की भूमि, यह विश्व की सबसे बड़ी घास भूमियां हैं, और उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास मिलती है। यहाँ पर कुछ जंतु जैसे शेर हाथी जिराफ पाए जाते हैं, इसलिए इस भूमि को लैंड ऑफ बिग गेम भी कहा जाता है। वेल्ड भूमि दक्षिणी अफ्रीका में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ से मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, और यह जो भूमि है वेल्ड भूमि दक्षिणी अफ्रीका नामीबिया बोत्सवाना तीनों में अवस्थित है। ये नदी हमने बता दी, इसके कोई बात नहीं, पहले ही बता चुके, ये सारी नदियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ लिम्पोपो नदी हो चुकी है, ऑरेंज हो चुकी है, झील भी हो चुकी है।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और उसके कुछ द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ओसनियो कहा जाता है, ओसेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, प्रशांत महासागर के छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित थे। ओसेनिया द्वीप समूह में ये चार उसके हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानीसिया, पोलिनीसिया, माइक्रोनीसिया। ठीक है, मेलानीसिया में प्रशांत महासागर के पश्चिम में अवस्थित है और उसमें फिलीपींस और इंडोनेशिया के द्वीप भी आते हैं। माइक्रोनेशिया, इसमें जो द्वीप है गिलबर्ट द्वीप है, कैरोलिन द्वीप है, मार्शल द्वीप है। ठीक है, पोलिनेशिया, यह इसमें कुक है, हवाई है, टुवालु है, टोंगो है, किरीबाती है, समाओ, ये सारे द्वीप समूह आते हैं इसी में। ऑस्ट्रेलिया का एक सामान्य परिचय देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह महाद्वीप हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच में, बिल्कुल विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरे महाद्वीप पे फैला है, इसलिए इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और यहाँ की जो सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व की, वो यहीं पर अवस्थित है, प्रवाल भित्तियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 7 राज्य हैं, ठीक है, नहीं उनको देखते हैं, वे 7 राज्य ये हैं, उनकी राजधानी ये है। ठीक है, एक एक को देखते हैं। जैसे क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, तस्मानिया की होबर्ट है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नोरू। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियूस को है। इसका जो सबसे निम्नतम भाग है, स्थलीय भाग, आयरे झील है। सबसे बड़ी नदी इसकी मरे डार्लिंग बेसिन है। सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके जो खोजकर्ता थे कैप्टन कुक थे। सबसे गर्म स्थान इसका कोलोन कंट्री है। सबसे जो लंबा रेलवे मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। देखो ये तस्मान है, यहां पर पर्थ है और यहां पर सिडनी, इसको जो जोड़ने वाला रेल मार्ग है वो ये वाला, ऐसे ये जाता है। ठीक है, नहीं सबसे बड़ा बंदरगाह सिडनी है। ये देखो, ये इधर प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर के जो तट पर अवस्थित वो है, वो क्या है, इसका क्या नाम है, पर्थ है। जो प्रशांत महासागर के तट पर है वो सिडनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग, ऑस्ट्रेलिया का अगर हम भौतिक विभाजन करें, हाँ बिल्कुल, पीसीएस का पेपर भी होगा, यानी कि आप लोगों की चुनौती और बढ़ गई भाई। ठीक है, नहीं तो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें, कोई लापरवाही ना करें। और जो ये हम क्लासें करा रहे हैं 30 घंटे की, हमें काफी उम्मीद है इन क्लासों से आपको काफी लाभ होगा। ठीक है, नहीं आप इससे बने रहे हैं। आज की क्लास इसलिए सबसे बड़ी रही क्योंकि ये मैपिंग की थी, 7 महाद्वीप इससे करने थे पूरे, तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। बाकी हम जो भी क्लास हमारी होगी, जैसे कल ज्योग्राफी की है, फिर पर्यावरण की, फिर इकोनॉमी की, 2.5-3 घंटे में खत्म करेंगे, जिसमें फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आपको डिलीवर कराए जाएंगे बहुत फास्ट गति से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम भौतिक विभाजन करें तो इसमें एक हिस्सा इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। दूसरा हिस्सा इसकी निम्न भूमि है, और तीसरा इसका पश्चिमी पठारी क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी पठारी क्षेत्र जहां पर क्या मिलते हैं हमें, ये हिस्सा, ये देखो, ये तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगी, ये निम्न भूमि होगी, और ये पठारी क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये केप योर्क प्रायद्वीप से लेके, यानी कि क्वींसलैंड में है केप योर्क प्रायद्वीप, और तस्मानिया तक विस्तृत है। और ये एक भ्रंश पर्वत है, जल विभाजक का कार्य भी करता है। पश्चिम का जो पठारी क्षेत्र है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, किप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहीं पर है। निम्न मध्य जो स्थल है वो उसके उत्तर में कार्पेंटिया की खाड़ी है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलियन बाइट्स तक विस्तृत है। यहाँ पर निम्न भूमि बेसिन झील, आयरे झील यहीं पर है, जिसको ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट आर्टेजियन बेसिन भी कहा जाता है, और इसी मध्य निम्न भूमि में मरे डार्लिंग बेसिन भी है। महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, बर्फीला महाद्वीप भी कहा जाता है।
अरे नहीं भाई, आप तो रुक जाएंगे, मैं नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि ना सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी मुझको एक्चुअली बहुत मैं थक गया हूँ, मेरा गला भी दुखने लगा है। पहली बार मैंने इतनी लंबी क्लास ली, और सही बात तो यह है कि हमारे इस चैनल पे जब से हमने इसको ओपन किया पहली बार इतनी लंबी क्लास चली है। तो खैर, आप लोगों ने अच्छा साथ दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप पूरी तरह से जितने हमारे महाद्वीप है उनसे बिल्कुल अलग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अन्य महाद्वीपों जिस तरह से जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, जनसंख्या जनसंख्या है, हाँ, तो इस महाद्वीप पे जनसंख्या नहीं है, ना के बराबर जनसंख्या। इस महाद्वीप पे पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। जब बर्फ वर्ष में कुछ समय के लिए पिघल जाती है तो वो बर्फ पानी में तब्दील हो जाता है और जल स्तर बढ़ा देता है। इसलिए जलवायु अगर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो यहीं पर पड़ेगा। अगर ये महाद्वीप की बर्फ पिघलती है तो आपको मालूम है कि तट, जितने भी हमारे तट है विश्व में, उनसे 200 किलोमीटर के दायरे में विश्व की 50 से 60% आबादी तट से 200 किलोमीटर के अंदर ही रहती है। उन तटों के डूबने का खतरा रहता है। और हाँ, 8 बजे से क्लास चल रही भाई है, तो उसे खतरा रहता है, इसलिए इसका बचना बहुत जरूरी है, ये न केवल इंसान के लिए बल्कि जैव विविधता के लिए। और एक बात और है, इस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा भंडार तैयार किया है कि हमारी जो जैव विविधता के बीज है, जैसे अनाज के बीज, वे सारे काफी गहराई में जाके दबा दिए, उसका स्टोर कोल्ड स्टोरेज बनाया कि यदि भविष्य में कोई आपदा आती है, जैसे एक मूवी आई थी ना 2012, इस तरह की अगर आपदा आती है तो वे बीज सुरक्षित रहे। ओके ओके, थैंक यू यदु भाई, थैंक यू यदु जी। तो यह भी उसका पांचवा बड़ा महाद्वीप है, और यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप वीरान है, क्योंकि देखो अन्य महाद्वीप जितने भी महाद्वीप है, चाहे वो एशिया अफ्रीका, उनकी तो सबकी दुर्गति कर दी इंसान ने, उसके सारे जो संसाधन थे उनका दोहन कर लिया, जितने वन थे वे काट दिए, है ना, खनिज निकालता ही जा रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। तो मनुष्य का अगर अस्तित्व बचाना है तो इस महाद्वीप का बचना बहुत जरूरी है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए इसको शांति से समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि इस महाद्वीप का कोई भी देश उपयोग अपने परमाणु या एटॉमिक या किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े के लिए नहीं करेगा, शांति के उद्देश्य के लिए करेगा। हाँ, इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ जब पिघल जाती है तो ठीक है, एक क्या होता है ना, पिघलने से उस क्षेत्र का वॉल्यूम कम हो जाता है, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी जेम्स कुक ने की थी, जो ब्रिटिश नाविक थे। यह महाद्वीप चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा है, इसका 98% भाग बर्फ से ढका है, और वह यह भी उसका सबसे ठंडा महाद्वीप है। ठीक है, और यह महाद्वीप क्या है, गतिशील महाद्वीप है। यहाँ पर भारत ने 1983 में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा केंद्र 1989 में मैत्री, यहीं पर ओपन किया था। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा केंद्र भारतीय था 2012 में। एल्सबल पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में, जिसका क्या नाम है, विंसप मैसिफ है। ट्विनवार पर्वत श्रृंखला जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। रास द्वीप पर यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस है। 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो रोनाल्ड एंडरसन थे, जो नॉर्वे के थे, ये रोनाल्ड है, ठीक नहीं। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति गिरिराज सिरोही थे, जो अपने उत्तर प्रदेश के थे। यहाँ पर मांस और लाइकेन जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। रास सागर अंटार्कटिका महाद्वीप में विक्टोरिया लैंड, मैरी बियर लैंड के बीच दक्षिणी पश्चिम में अवस्थित है। ग्रहम लैंड यहाँ पर क्या है, पश्चिमी अंटार्कटिका का एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका मूलतः दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर केंद्रित है। इसके चारों ओर जो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरा है। जैसे मान लिया ये अंटार्कटिका है, ये वाला, इसके चारों ओर है दक्षिणी सागर, और फिर ये प्रशांत, हिंद, अटलांटिक महासागर से भी घिरा है ना। जितने भी हमारे महाद्वीप है उनमें से सबसे अधिक मध्य ऊंचाई वाला यह अंटार्कटिका महाद्वीप है।
एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई दिया, ठीक है ये भी बता दिया। टीरा डेल फ्यूगो से अस्कोशिया कटक द्वारा यह अलग होता है। टीरा डेल फ्यूगो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। इसको विज्ञान से समर्पित महादेश भी कहा जाता है, ठीक है नहीं? और यहीं पर दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भी इसी में है, ठीक है। यहाँ का सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है इसको लैम्बर्ट ग्लेशियर भी यहीं पर है, ठीक। ये हाँ आगे हम देखेंगे अंटार्कटिका रिकॉर्ड, ये ठीक है, ये वैसे हमने पढ़ा दिया है लैम्बर्ट, आगे देखते हैं। हाँ ये इसके कुछ व्हेल मछली वगैरह ये यहाँ पर पाई जाती है, अल्बर्टा पर्वत, ठीक है। हार्न अंतिम जो चिली में है और सेटलैंड द्वीप के मध्य ये डेकन पैसेज है जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और अंटार्कटिका को किससे? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है। यहाँ पर 1985 में ब्रिटिश दल द्वारा ओजोन छेद की पता यहीं पर लगाया गया था, ठीक है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप को सोवियत महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विश्व का ठंडा मरुस्थल, शांति को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका संधि 1991 में की गई थी और इसका इसका मतलब केवल यही था, इसका प्रयोग केवल शांति उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, विज्ञान के लिए किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च भारत का ये कहाँ पर है? ये गोवा में है, ठीक है। भारत के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शोध केंद्र है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका जो उत्तरी हिस्से में उसको भी देखते हैं, ठीक है नहीं? हाँ बिल्कुल। अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहला शोध केंद्र भारत का दक्षिणी गंगोत्री था, उसकी 1983 में स्थापना की गई थी। दूसरा मैत्री था जो 1988 और 89 के लगभग यहाँ पर स्थापित किया गया था भारतीय। तीसरा था जो 2012 में, और आर्कटिक यानी कि उत्तरी क्षेत्र में हिमाद्री एक स्टेशन है जो 2007 में स्थापित किया गया था भारत के द्वारा। अभी हमने महाद्वीप देखा, अब हम देख रहे हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसको भी देखते हैं, ठीक है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आर्कटिक सागर वाला क्षेत्र उत्तरी वाला, इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी, लेकिन मुख्य भूमि की जो खोज की थी फेबियन वेलिंग ने की थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रोनाल्ड एमंडरसन था नॉर्वे का। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला एन ब्रेन क्राफ्ट थी जो अमेरिका की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जेकी रोने थी जो अमेरिका की थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीयवासी महिला जो थी कैप्टन कैप्टन पर्ण कौर थी, क्या थी? परम कौर है, क्या नाम है? इनको पोलर प्रीत भी कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो थे वे गिरिराज थे उत्तर प्रदेश के। आर्कटिक में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पीरे जो अमेरिका के थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी एन बेनक्राफ्ट अमेरिका की थी। एल्बर्ट केरी दोनों ध्रुव पर पहुंचने वाली यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो भाई आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हाँ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों ने काफी साथ दिया, खुशी पर्यावरण यदु भाई आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद बहुत ज्यादा। और मैं भी काफी थक गया हूँ आज, ये 5.5 घंटे के लगभग क्लास चली थी। तो अगली हमारी जो क्लास है हम 30 घंटे की एक मैराथन ले रहे हैं जिसमें सबसे लंबी क्लास थी क्योंकि इसमें सारे महाद्वीप किए हैं। हाँ ये तो अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ क्या है कि 30 घंटे की ये क्लास है जिसमें 10 क्लास है और 15 सितंबर से 24 सितंबर तक ये चलेंगी। ये क्लास सबसे बड़ी थी क्योंकि ये 7 महाद्वीप को इसने कवर किया इसलिए सबसे बड़ी थी। सभी क्लास 3 घंटे की होंगी और कल हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी उसके बाद फिर पर्यावरण, इस तरह से क्लास है यानी कि 3 घंटे में एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। अधिकांश पर्सन जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे यहीं से मिल जाएंगे। और ये अभी ना भाई क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये कम से कम जीबी में होगी, कई जीबी में, तो इस पीडीएफ को हम कंप्रेस कराएंगे और अभी 1-2 घंटे में हमारे ऐप से आप डाउनलोड करें। हाँ एक हाँ यदुवंशी भाई ये पीडीएफ को आपको मिलेगी और इसकी जो कीमत रखी गई है 1 रुपया रखी गई है और ये हमारी ऐप से ही मिलेगी आपको, है वो केवल इसलिए किया गया कि आप लोग कम से कम हमारी ऐप डाउनलोड कर सके, है ना। बाकी तो फ्री है सबके लिए, यूट्यूब पे तो क्लास फ्री है तो पीडीएफ भी लगभग फ्री है, मगर वो इसलिए क्या कि हमने हम भी थोड़े से चतुर बन गए, क्या किया हमने,
20 घंटे की क्लास भाई 30 दिन मतलब 10 दिन चलेगी, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक की। जैसे एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें फैक्टर कंसेप्ट दोनों, 3 घंटे की एक दिन में क्लास चलेगी, तो आप घबराए नहीं, ठीक नहीं। तो ये क्लास की जो PDF है वो हमारी ऐप से मिलेगी, और ऐप से डाउनलोड कर लेना। और इसकी कीमत रखी गई 1 रुपया, वो इसलिए रखी गई ताकि एक तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करो भाई, हम आपका कुछ थोड़ा सा लाभ कर दे, आप भी कर दो, क्योंकि अभी हमारा संस्थान नया है तो हमारी इतनी ऐप डाउनलोडिंग नहीं हुई है। तो हमने सोचा कि ऐप वैसे तो PDF फ्री में मिल जाती है, हमने सोचा कि हम इसको ऐप पे डाल देते, एक कीमत रख देते ताकि बच्चा ऐप तो जरूर डाउनलोड करेगा, तो ये वजह है, नहीं तो ये PDF सब आप लोगों के लिए फ्री है। और ये 30 घंटों में ना भाई हम कंप्लीट GS कराएंगे, कम ये मैपिंग कराएंगे, इकोनॉमिक डाटा कराएंगे, करंट अफेयर कराएंगे, स्पेशल कराए UPI स्पेशल कराएंगे, यानी कि 30 घंटे में 30-10 क्लासेज होंगी, इसमें इतने टॉपिक कवर किए जाएंगे। और उम्मीद है हमें UPPCS और RO में आपने जो पढ़ा है उसमें ये और अच्छा इजाफा करेगा और आपका सिलेक्शन इसी बार कराएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, और इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने PDF बनाई है, ये PPT बनाई है, और जिसने यूट्यूब का थंबनेल बनाया जिसको देख के आप लोग आए हैं ना, उसका धन्यवाद है, क्योंकि उसने बहुत रात दिन मेहनत की, क्योंकि वो अभी भी काम कर रहा है, संडे अभी आए हैं, वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कल की क्लास रेडी करनी है। तो उन लोगों का भी थैंक यू, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार किया। हाँ, कंटेंट थोड़ा जल्दबाजी में बनाया तो उसमें थोड़ी सी मात्रात्मक मिस्टेक हुए, लेकिन आप लोग पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण भाई 10 रुपये नहीं, ये तो केवल नाम मात्र का है, आप लोगों के तो फ्री था, बस हमने सोचा कि भाई बच्चे ऐप डाउनलोड करें इस बहाने से, इसलिए उसकी कीमत 1 रुपये रख दी, नहीं तो कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। नहीं, और बेस्ट ऑफ लक, अगले 24 सितंबर तक मैं आपके साथ यहीं पर रहूँगा, डेली मेरी क्लास रहेगी, ठीक है। नहीं तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और इस बार आप लोगों का एग्जाम फाइनल होना चाहिए और उसके बाद फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे मिलके सभी लोग, है ना। तो तैयारी अपनी जारी रखें, इस PDF को हम अभी कुछ देर के बाद कंप्रेस करा के ऐप पे डाउनलोड कर देंगे, आप लोग डाउनलोड करना और अपना फीडबैक देना कि ये जो PDF है ठीक लगी, आपके लिए कितनी उपयोगी थी, ठीक है। नहीं तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, ओके, मिलते हैं कल, ठीक है। 8 बजे से सुबह क्लास है, 8 से 11 तक 3 घंटे में खत्म कर देंगे एक टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।